बहनों और भाइयों, आज हमारे देश भारत को आजादी मिले केवल 4 दशक हुए, परंतु इतने कम समय में हम अपने देश के लिए जो कुछ भी कर सके हैं वो दूसरे देशों के लिए एक मिसाल है। जब हमें आजादी मिली थी तो क्या था हमारे पास, परंतु आज हमारे देश में बड़ी बड़ी कपड़े की मिलें हैं। आज हम इतना अनाज पैदा करते हैं कि हमें दूसरे देशों से सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमने ऐसी गगनचुंबी इमारतें बना दी हैं जिन्हें देखकर लंदन और पेरिस भी शर्म से सर झुका देते हैं, और यह सब कितने कम समय में हुआ है ये सारा देश जानता है। हमने हर मामले में अपने देश की पहचान बनाई है, ज्ञान हो या विज्ञान, विदेशों से संबंध हो या खेलों के मैदान, हमने हर जगह अपना झंडा लहराया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से आजाद हैं। सच्ची आजादी समझेगा उस दिन हिंदुस्तान, जिस दिन सबको मिल जाएगा रोटी कपड़ा और मकान। सच्ची आजादी समझेगा उस दिन हिंदुस्तान, जिस दिन सबको मिल जाएगा रोटी कपड़ा और मकान। सच्ची आजादी समझेगा उस दिन हिंदुस्तान, जिस दिन सबको मिल जाएगा रोटी कपड़ा और मकान। सच्ची आजादी समझेगा। सीता को बाहों में देखा, गंगा को जामों में देखा, पावन सीता पावन गंगा दोनों को कोठों में देखा, दोनों को कोठों में देखा। जिस दिन सबको मिल जाएगा रोटी कपड़ा और मकान। भूख बड़ी हो चाहे छोटी, सबकी मांग मगर है रोटी, सबकी मांग मगर है रोटी। रोटी भूख मिटाती जग में, भूख बढ़ाते हीरे मोती। उस दिन हीरे दिन सबको मिल जाएगा रोटी कपड़ा और मकान। ढक न पाए अगर बदन भी,
ढक न पाए अगर बदन भी अर्थ तक न पाए कफन भी ऐसे में इंसान का क्या है बिक जाता है हाय वतन भी नहीं दिन सबको मिल जाएगा रोटी कपड़ा और मकान किसको मानू देश का नेता सबके सब लगते देश की नैया ले डूबा है स्वयं के वैया खेता खेता सच्चा नेता सच्चा नेता वही हमारा है जिसको ये ध्यान दिन सबको मिल जाएगा रोटी कपड़ा और मकान सच्ची आजादी समझेगा उस दिन हिंदुस्तान जिस दिन सबको मिल जाएगा रोटी कपड़ा और मकान चिया दादी समझेगा हाँ कहिए मामा जी अब कब दर्शन हो गए ऐसा कौन सा काम है जो छह छह महीने तक हम लोगों की याद नहीं आती बेटे दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि तुम लोगों की नजरों के सामने रहूं लेकिन लेकिन जन सेवा से फुर्सत मिले तब ना भाई दिन भर चौपाल में मेला लगाए रहते हैं वकालत अदालत हिकमत सब इन्हीं की चौपाल पे चलते बड़ा आनंद आता है मैं तो आपसे भी कहता हूं कि भागदौड़ छोड़ करके कोई चौपाल आबाद कीजिए और आनंद का सुख भोगिए वैसे भी नाहर सिंह अब जवान तो हो गया है आपका कारोबार तो संभाल लेगा मामा जी अर्जुन भी तो इस काबिल हो गया है कि हमारा हाथ बटाए ना हर बेटे अर्जुन तो ओंकार सिंह का बेटा है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं हाँ जी जा जी हालांकि मैं और अर्जुन तो ये भी भूल गए कि हम मामा भांजे हैं लेकिन अर्जुन है तो आप ही का बेटा मैं तो सब दीदी को दिया हो वचन निभा रहा हूँ वचन भी तुमने खूब निभाया ओंकार सिंह हम तो तुम्हारे एहसानमंद हैं जैसी माँ की इच्छा थी बिल्कुल वैसा ही तुमने अर्जुन को बना दिया आदर्शवादी निर्भीक एक सच्चा इंसान बस एक साल रुक जाइए उसकी पढ़ाई पूरी होते ही अपना अर्जुन आपको सौंप दूंगा फिर उसके गुणों का लाभ आप ही उठाइए उसी दिन मुझे मुक्ति मिलेगी ओंकार सिंह अर्जुन मेरा कारोबार संभालेगा और नाहर राजनीति की बागडोर बचपन से इसकी बदमाशियां देखता चला रहा हूं इसे तो राजनीति बहुत फलेगी बाबूजी ने जो साग बनाई है उसकी लाश तो रखनी ही पड़ेगी ना मामा जी बाबूजी ये शंकरलाल जी है हमारे खास आदमी है अगर इनका ये काम हो गया तो ये हमारे इलेक्शन में भी बहुत काम आ सकते हैं विधायक जी ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर लें जिस दिन शराब की फैक्ट्री बनाने की जमीन हमारे नाम हो गई हम आपकी और सेवा कर देंगे भाई शंकरलाल जी हम तो शराबबंदी के पक्ष में हैं और आप चाहते हैं कि हम डिस्टिलरी के लिए लाइसेंस और जमीन दिलवा दें हमारे लिए ये कठिन कार्य है ठाकुर साहब ये काम सिर्फ मेरा ही नहीं है छोटे ठाकुर का भी है मैं नाहर सिंह को इसमें आधे का साझेदार बना रहा हूं और फिर आप अपने बेटे के लिए
छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। शंकरलाल जी, काम तो हम आपका भी कर देते, परंतु इस कस्बे में खाली जमीन कहां है? ऐसा है सरकार कि आपको दान करने से फुर्सत मिले तब तो पता चले कि कौन कौन जमीन कहां खाली पड़ी है। आपने जो स्कूल को जमीन दी है ऐसे ही खाली पड़ी है, ना तो वहां स्कूल बनेगा ना कोई वहां पढ़ने आएगा। अरे जमीन है तो उसका उपयोग तो होना ही चाहिए। ठाकुर साहब, ये तो बैग में ही पड़े रह गए, वो क्या है कि लक्ष्मी चुंबक की तरह होती है। ठीक है शंकरलाल जी, आइए आइए, जरा इधर आइए। आप चिंता मत करिए, मैं बाबूजी को मना लूंगा, आपका काम हो जाएगा। हमारा काम छोटे ठाकुर। पिताजी। नहीं बेटा, थोड़ी देर और रुक जाना, जब भैया आ जाएगा तो साथ साथ खाएंगे। भैया का कोई ठिकाना नहीं है, बैठे होंगे अपने स्कूल की जमीन पर सपने देखते। हाँ, सपने ही तो देख रहा था और सारे साल बर्बाद कर दिए। पिताजी की बातों में ना आता तो आज शहर में एक अच्छी सी नौकरी कर रहा होता, अपनी शिक्षा का फायदा उठाता, लेकिन पिताजी तो बस। देखो बेटा, मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि तुम जैसे पढ़े लिखे आदमी को शहर में अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन नौकरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आखिर कहलाओगे तो नौकर ना। तुम्हारा अपना स्कूल होगा, उसकी शाइनिंग कुछ अलग होगी, और फिर कल को कॉलेज भी तो बन सकता है। आप भी सपने देख रहे हैं बाबूजी, यहाँ कोई स्कूल बनने वाला नहीं है जो आगे जाकर कॉलेज बने, यहाँ शराब की फैक्ट्री बनेगी, शराब की। ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है बाबूजी, ठाकुर साहब ने स्कूल वाली जमीन शंकरलाल नाम के एक आदमी को दे दी है जो वहाँ एक शराब की फैक्ट्री बनाएगा। लेकिन ये तो सरासर बेईमानी है बेटा, महताब सिंह ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने मुझे जबान दी है। मैं पंडित दीनानाथ जी के पास जाऊंगा, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ रामनाथ जी, मैं तो सत्ता में हूँ नहीं, जो मनमानी कर लूं। देखिए आजा, भले सत्ता में नहीं है लेकिन नेता तो हैं, जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारी तो है आपकी। हाँ, नेता तो हूँ लेकिन विपक्ष का। देखिए नेता तो नेता होता है, जनता के आगे आगे चलता है, उसके हितों के लिए, उसके अधिकारों के लिए लड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब अधिकारों के लिए लड़ना हो तो दीनानाथ, और जब ताज पहनाना हो तो महताब सिंह। लेकिन पंडित जी, मैं तो जन सेवा की बात कर रहा हूँ और आप राजनीति की। रामनाथ जी, राजनीति ही सत्ता दिलाती है, और सत्ता शक्ति, जब हमारे हाथ में शक्ति होगी तभी तो हम कुछ कर सकेंगे। ठीक है, मैं ये भूल गया था कि आज के राजनीतिज्ञ केवल निसेवा में विश्वास करते हैं, जनसेवा में नहीं। मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा लेकिन अपने कस्बे पर अन्याय नहीं होने दूंगा। जाइए जाइए, मुख्यमंत्री को केंद्रीय दरबार से फुर्सत मिलेगी तब ना। अरे आप तो दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप जिस दरवाजे की बात कर रहे हैं पंडित जी, उसकी चाबी मेरी जेब में है। जनक्रांति अखबार का मालिक और संपादक देशबंधु मेरा बचपन का साथी है, जो सच्चाई और न्याय का साथ देने में आज तक कभी पीछे नहीं हटा। शायद इसलिए कि वह आपकी तरह नेता नहीं। धन्यवाद। चाहिए चाहिए, अभी नेताओं से पाला ही नहीं पड़ा है। देखो देशबंधु, मैंने अपने सारे तीर चलाकर देख लिए हैं, थक गया हूँ, हार गया हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। जानता हूँ, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है? कहाँ हुई, मालूम पड़ा वो बहुत व्यस्त हैं। जानता हूँ, फोन पकड़ कर बैठे होंगे, बेचारे को हर समय यही डर लगा रहता है कि न जाने कब हाईकमान नीचे से कुर्सी खींच ले। शायद ऐसा ही है, 10 दिन पहले आज की मुलाकात का वक्त दिया था, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पहुंचूं मालूम पड़ा वो खुद कहीं चले गए। हाँ जी, ये भी जानता हूँ, दिल्ली गए होंगे, आजकल हर मंत्री और हर मुख्यमंत्री दिल्ली ही जाया करते हैं। मैं तो यहां तक जानता हूं रामनाथ कि इन सब की जेब में एक एक ओपन रिटर्न टिकट पड़ा ही रहता है। सरकारी अफसरों से बात की तो बोले हम नेताओं के झमेले में नहीं पड़ते, बताइए। जानता हूं, भीगी बिल्लियां हैं, सबको जानता हूं। जानता हूं खाक जानते हो। अरे मैं जानता हूं, मुझे आज वापस जाना है, खामखा इतनी दूर आया, कुछ काम भी नहीं हुआ। चाची जी, किसने कहा कि आप जा रहे हैं? जाना पड़ेगा बेटा। क्यों? घर पर सरस्वती अकेली है ना, विनोद अपने स्कूल के चक्रों में मारा मारा फिरता है,
अब सोचो ना, घर में जवान बेटी, ऊपर से उस इलाके का गंदा माहौल, ईश्वर ना करे कुछ उल्टी सीधी बात हो जाए, दिल बड़ा डरा रहता है बेटा। चाचा जी, आपको कितनी बार कहा कि सरस्वती को मेरे साथ ही रहने दीजिए, हम दोनों साथ भी रह लेंगे और दोनों बहनों का दिल भी बहल जाएगा। देखो बेटा, मुझे जवान बेटी के बोझ का एहसास है, मैं नहीं चाहता अपने प्यारे दोस्त के कंधों पर दो दो जवान बेटियों का बोझ डाल दूं। रामनाथ, फूलों की टोकरी के बोझ से माली दबता नहीं बल्कि उसकी खुशबू से विभोर हो जाता है। और फिर बेटी तो ऐसा फूल होता है रामनाथ, जो कुछ दिन तो माली के पास रहता है और फिर किसी न किसी के गले का हार बन जाता है। क्या हुआ कमली? पांडे जी, कुछ गुंडों ने गांव पर हमला कर दिया है, कुछ कीजिए पांडे जी। ऐसा करो कमली, तुम सरस्वती के पास रहो, मैं पुलिस में रिपोर्ट करके आता हूँ। जी, तुम यही रहना। जा रहे हो ऋतुराज भैया? जानते हो ऋतुराज को कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी पूछते हो कहाँ जा रहे हो? ये देखो इनकी हालत, विधायक जी से न्याय मांगने आए हैं। मालिक पूजा करते हैं, थोड़ा ठहरो। दया और सेवा से भी बड़ी कोई पूजा है? इन लोगों को ठाकुर साहब की जरूरत है। बात है दरबान? ऋतुराज भैया मिलने आए हैं सरकार। क्या हुआ ऋतुराज, सुबह सुबह कैसे? विपदा समय देखकर कहां आती है विधायक जी, ये बेचारे अन्याय के मारे न्याय की आशा लेकर आए हैं आपके पास। दरबान, इन्हें अंदर आने दो। विधायक जी राम राम। राम 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 राम। बैठे बैठे बैठे। जय माता दी। बैठो ऋतुराज बैठो, क्या फौजदारी करके आ रहे हो? विधायक जी, ये अधमरे प्राणी जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वो फौजदारी क्या करेंगे, ये तो अत्याचार का शिकार हैं। अब इस क्षेत्र में आतंक फैल रहा है, जुल्म के बादल छा रहे हैं। मौसम का हाल ही बताते रहोगे या ये भी बताओगे कि क्या हुआ? रात मुंह पर कपड़ा बांधे एक भीड़ काल बनकर टूट पड़ी इन लोगों पर, हाथ पैर तोड़ डाले उनके जिनमें वैसे भी चलने फिरने की शक्ति नहीं है, सर फोड़ डाले उनके जो सर पर बोझ उठाकर अपना पेट पालते हैं, ना बूढ़ों को छोड़ा ना बच्चों को। कौन लोग हो सकते हैं? लूटपाट तो नहीं की? लूटने के लिए तो एक विधवा की जवानी और एक गरीब की जवान बेटी थी, सो लूट ली। मुंह पर कपड़ा बांधे थे तो पहचानते कैसे, बस लाठियां बरसाकर कह रहे थे झोपड़े खाली कर दो और कहीं जाकर बस जाओ। अब विधायक जी, उन्हें कौन बताए कि ये झोपड़ियां खाली ही तो हैं, इनमें सिवाय मानव शरीर के और है क्या? बहुत बुरा हुआ, तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? लिखाई? एक पढ़ा लिखा था बस्ती में मास्टर पांडे, सोचा पुलिस उसकी सुनेगी, मगर पुलिस ने पांडे जी को ही धर दबोचा कि नेतागिरी करके क्षेत्र की शांति भंग करते हो। हम दरोगा से कह दिए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे ढोर की खाल से लोह भस्म हो जाए। दो डंडे हमारे भी जड़ दिए, अब आपके पास आए हैं न्याय की आशा लेकर। मैं छानबीन करवाता हूं, पांडे को नेता बनने की क्या जरूरत थी? मैं इस क्षेत्र का विधायक हूं, आप लोगों को अपना दुख दर्द मुझे बताना चाहिए। तुम लोग पंडित दीनानाथ जी के पास भी गए होगे? गरीब तो हर आशा की तरफ दौड़ता है विधायक जी,
गए तो थे लेकिन दो टुक जवाब मिल गया। जिसे वोट देकर जिताया है उसी के पास जाओ। यहां तो मतभेद को मनभेद बना लेते हैं। वो तुम्हारी मदद कर भी क्या सकता था। तुम्हारे मोहल्ले के पूर्वी पट्टी के लोग आज भी उस पंडित के साथ हैं, हालांकि काम में ही आता हूं, पर तुम लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। देखो ऋतुराज, तुम इन लोगों को लेकर शांति से अस्पताल जाओ। मैं उस थानेदार की खबर लेता हूं, आज ही पता लगवाता हूं कि वह अत्याचारी कौन है। उन्हें सजा जरूर मिलेगी। और हां, डॉक्टर यादव से कहना कि मैंने इन लोगों को भेजा है, अच्छी मरहम पट्टी कर देंगे। बहुत बहुत कृपा विधायक जी, कल फिर अत्याचार होगा, कल फिर मरहम पट्टी करा दीजिए। नहीं ऋतुराज, अब ऐसा नहीं होगा, हम आश्वासन देते हैं। आज ही हम अपने बड़े बेटे नाहर सिंह से बात करेंगे, वो सब बंदोबस्त कर देगा। हेलो, पुलिस स्टेशन हवलदार बालू हेयर। मैं नाहर सिंह बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर को फोन दो। है, एक मिनट सर, मेहताब सिंह के बेटे नाहर सिंह का फोन है। यस सर। हुकुम सरकार? हुकुम नहीं, रिलीज ऑर्डर है। रिलीज ऑर्डर किसका? उस पांडे का, जिसे तुमने मेरे कहने पर बंद किया था। उसे मेरी जमानत पर छोड़ दो। क्या कहते हैं सर, सच्चाई को आजाद कर दूं? तुम राजनीति का खेल क्या जानो? सच्चाई को आजाद क्या, हमें उसे हमेशा के लिए सुलाना भी आता है। ओके सर। हवलदार बालू, पांडे को छोड़ दो और ताकीद कर दो कि नाहर सिंह की जमानत पर छूटा है, नेता बनने की कोशिश ना करे। जय शिव शंकर। आओ केतकी, आओ आओ बैठो। भोजन लेकर आई हो? हाँ ऋतुराज भैया, पर खा जरूर लेना, हमेशा की तरह अपने कुत्ते भी लियो और चिरोटों को मत खिला देना। केतकी, जानती हो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मैं क्या जानू, ये तो तुम सब विद्वान लोग ही जानो। क्या है? परोपकार। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, यानी कि दूसरों पर उपकार करना, जैसा कि तुम मुझ पर कर रही हो। क्या कहते हो ऋतुराज भैया, मैं और तुम पर उपकार? ये उपकार नहीं तो और क्या है। रोज बिना नागा समय पर तुम मेरे लिए भोजन लेकर आती हो, फिर बाद में जाकर मेहनत मजदूरी करती हो। कौन करेगा ये सब मुझ जैसे फकीर के लिए? छी, कौन कहता है तुम फकीर हो, तुम तो देवता हो देवता। अगर तुमने मुझ अनाथ को सहारा न दिया होता तो न जाने आज मेरा क्या हाल होता। मैंने तो बस तुम्हें ही अपना जाना है। केतकी, माफ करना, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, मगर तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूं तुम्हारा भाई ऋतुराज भैया। चलो चलो, आंसू पोछो और हंस दो। देखो, अरे पगली रोती क्यों हो? एक दिन एक सुंदर सा राजकुमार आएगा और तुझे भैया। अच्छा ऋतुराज भैया, मैं काम पर जा रही हूँ, देर हो रही है। और सुनो, भोजन जरूर कर लेना। अरे हाँ बाबा हाँ। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए वो काहे का पीर। राम राम ऋतुराज जी। हाँ राम राम पांडे जी, आइए आइए आइए। आखिर पुलिस की एक नहीं चली, छोड़ना ही पड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा विश्वास है कि अगर विधायक जी बीच में पड़ेंगे तो पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। पर ऋतुराज जी, मुझे तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है, अब किस पर विश्वास करें, वो विधायक के बेटे नाहर सिंह की मेहरबानी पर या फिर अपने मन की आशंका पर? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। अब सच्चाई का पता लगाए बगैर किसी पर शक करना भी तो ठीक नहीं ना। हाँ ये बात तो ठीक है, मन में शंका सदा रही, कौन बुरा और कौन भला, जब तक चोरी जाए ना पकड़ी तभी तलक है चोर भला। ठीक कहा ऋतुराज जी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आज तो पाठशाला खोलूंगा ही। हाँ हाँ जरूर। हुजूर, पांडे को छुड़वा के आपने ठीक नहीं किया,
उसको आपकी मेहरबानी पर शक है। हाँ इंस्पेक्टर माथुर। यस सर। कल तुम किसी दूर के इलाके में दौरे पर चले जाओ। दौरे पर सर? हाँ। पर क्यों? क्योंकि कल किसी को आत्महत्या करनी है, समझे? यस सर। जाओ। आओ आओ पांडे जी, सुस्वागतम सुस्वागतम। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, फांसी का फंदा है। अरे हरिचंद्र की औलाद बड़ा नेता बनना चाहता है, चलो तुम्हें स्वर्ग का नेता बना दूं। है सुना है वहाँ भी एक जगह खाली है ना? अरे पांडे के बच्चे, तू समझता था क्या भाग जाएगा? अरे चल। तुम लोग क्या समझते हो, मुझे मारकर तुम नहर के कल को डाल दोगे? नहीं, मेरी जुबान तो बंद हो जाएगी, लेकिन सत्य और सत्य का खून तुम सबके साथ चढ़कर बोलेगा। अबे जब खून बोलेगा तो बोलेगा, अभी तो तू फांसी पे झूलेगा। क्या स्वर्ग में? भैया रो मत सरस्वती, रो मत, जो होनी थी सो हो गई। धीरज रख सरस्वती, धीरज रख। कैसे धीरज रखूं कमली दीदी, अब जब बाबूजी आएंगे तब मन पर क्या बीतेगी? चुप हो जा। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ, क्या क्या हुआ मेरे बेटे को? रामनाथ जी, मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन ताज्जुब है कि विनोद जैसे जिंदा दिल इंसान ने आत्महत्या क्यों की? मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे की हत्या की गई है। धनवानों ने, सत्ताधारियों ने, शराब के व्यापारियों ने मिलकर मेरे बेटे की हत्या की है। जिनके रास्ते में उसके सपने रुकावट बन रहे थे, उन सब ने मिलकर ही आपके मुंह में गंदा शब्द ठूसा है, आत्महत्या, आत्महत्या। देखिए रामनाथ जी, अब आप और मुझे क्या दिखाएंगे? जिन आंखों से मैंने अपने बेटे की लाश देखी है, उन्हीं से उसकी जल्दी चिता भी देख लूंगा। तो चले जाइए आप, तो चले जाइए। देशबंधु, ये क्या हो गया, क्या हो गया देशबंधु? जब मैं अंग्रेजों के जेल में था तो मेरी माँ मर गई, लेकिन मैंने एक आंसू नहीं गिरने दिया, क्योंकि धरती माँ की आजादी मुझे ज्यादा प्यारी थी। जब मेरी पत्नी दुनिया छोड़कर गई, मैंने एक दिन के लिए सत्याग्रह नहीं रोका देशबंधु, एक दिन के लिए भी नहीं रोका। लेकिन आज मेरे आजाद देश ने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया देशबंधु, देशबंधु। घबराओ नहीं रामनाथ, हिम्मत से काम लो, ये हमारा दुर्भाग्य है रामनाथ। देश आजाद होने के बाद भी हम आजाद नहीं हुए, अत्याचार भ्रष्टाचार अरे सत्य के कैदी बनकर रह गए। मेरे भाई, हम डरेंगे नहीं, तुझे यहां से पहुंचने पड़ेंगे रामनाथ,
आज जंग तो अब शुरू हुई है, हमें और लड़ना है, हमें और लड़ना है। मेरे भाई पहुंच दो यासु, लड़ेंगे इनसे, लड़ेंगे अत्याचारियों से, लड़ेंगे हम, लड़ेंगे। बेटी, तुमने जो कहा था ना, आज मैं सरस्वती को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। बेटा, इसका बोझ उठाने की ताकत अब मेरे कंधों में नहीं है। आज तो तुम ही इसकी बड़ी बहन, तुम ही इसकी माँ, तुम ही इसकी सहेली, सब कुछ तुम ही हो बेटे, सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ। अंदर माता दी। लो दरबारी लाल, तुम्हारे बादशाह के दरबार में हमारा पैदल घुस गया। अब बचो, कैसी रही हमारी चाल? वाह जूर वाह, आप तो हमेशा लाजवाब चाल चलते हैं जोड़ घटाके। हमने अपनी मात मान ली जोड़ घटाके। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बड़ी खुशी की खबर है। अच्छा, पांडे जी अपने बिटिया को लेकर भाग गए। अच्छा हुआ जो चूहा मर गया, एक बोरी गेहूं तो बचा जोड़ घटा के। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम दोनों, धूल बैठ गई तो समझ लिया तूफान थम गया। रामनाथ भागा नहीं, जन क्रांति अखबार के एडिटर देशबंधु की शरण में गया है। खतरा बढ़ गया है, ये देशबंधु बांसुरी नहीं, लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर। आत्महत्या या हत्या, जन क्रांति का सवाल। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड अहमद, वेरी गुड। इस खबर से तो दुश्मनों के कान खड़े हो जाएंगे, और ये खबर तो लाउड स्पीकर का काम करेगी। लेकिन सर, इस मामले में जो लोग मदद कर सकते हैं उनके कान पर तो जूं तक नहीं रहेंगेगी। हम इतना शोर मचाएंगे अहमद कि गैरों को भी एहसास हो जाएगा कि शोर मच रहा है। जानते हो, इस केस में मैं जाती तौर पर दिलचस्पी ले रहा हूं। जानता हूं सर, मैं खुद चाहता हूं कि विनोद के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिले। आप शायद नहीं जानते, विनोद मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, दोस्त था, बहुत अच्छा इंसान, लेकिन शैतानों की बस्ती में रहता था। अहमद, इस केस की छानबीन के लिए मैं तुम्हें वहां भेजना चाहता हूं, क्योंकि वहां तुम सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट नहीं होगे बल्कि उन लोगों में से एक होगे। और हो सकता है कि तुम्हारे सामने जबान खोलने में वो लोग संकोच ना करें। लेकिन हो सकता है कि सच लिखने में मैं संकोच कर जाऊं, वो लोग मेरे अपने लोग हैं। अहमद, शायद तुम खुद भी अपने आप को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे अंदर सच्चाई ईमान की तरह कूट कूट कर भरी हुई। आशीर्वाद दीजिए सर, मैं आपके विश्वास को कायम रख सकूं। बेस्ट ऑफ लक माय सन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। गुलामों के चर्चे महलों में हो रहे हैं, ये सब उस देशबंधु का किया हुआ है, देशबंधु का। वरना विनोद पांडे इतना बड़ा तोप नहीं था जो अखबारों की हेडलाइन बन सके। ये देशबंधु बहुत दिलचस्पी ले रहा है इस केस में, वो समझता है कि मुझ पे सीधा वार कर सकेगा। अगर आपने ढाल तैयार नहीं किया ना तो वार कामयाब भी हो सकता है। कुछ तो भी करना चाहिए बाबूजी, जल्दी करना चाहिए। तुम जरा मंत्री सत्यनारायण जी को फोन लगाओ। ये मंत्रियों के फोन कभी मिलते हैं? दिल्ली फोन लगाकर गिड़गिड़ा रहे होंगे। जाने दो, ओंकार सिंह जी को फोन लगाओ। मस्त राम जी। मामा जी सरकार, देखो हम योगाश्रम की मीटिंग में जा रहे हैं जी,
किसी का फोन आया तो बता देना, हम शाम तक जरूर आ जाएंगे। जी मामा जी सरकार। और अर्जुन से कहना कि मंजू का फोन आया था। जी। मुझे प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी पीकर आती हूँ। तेरे लिए भी कुछ लाऊं? हाँ दीदी ले आना। अच्छा प्यासे तो हम भी हैं देवी जी। अरे अर्जुन तुम यहाँ अचानक कैसे? तुम्हें चौंकाने? तुम क्या मुझे चौंकाओगे, मैं ही तुम्हें एक दिन चौंका दूंगी किसी दूसरे से शादी करके। हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला देवी जी, कोई नहीं फंसने वाला सिवाय इस शरीफ बदमाश के। अच्छा ठीक है, तुम ही वो खुश नसीब सही। थैंक यू। पहले बताओ क्या खुशखबरी लाए थे? तुम चौंकने के लिए तैयार हो कि नहीं? तैयार हो कि नहीं? ठीक है, मैंने अपने क्लास में टॉप किया है। क्या? सच? 100% सच, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच मैडम। लेकिन कांग्रेचुलेशन से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो एक क्या कर रहे हो? सरस्वती छोड़ो। सरस्वती? हाँ। सरस्वती कौन है विद्या की देवी? सरस्वती वो विनोद पांडे की बहन। विनोद पांडे? कौन विनोद पांडे? ओ हमारे कस्बे का लड़का जिसने खुदकुशी कर ली थी। अच्छा अच्छा, अरे अच्छा उसी की बहन है। तुम भी हद करते हो अर्जुन, अपनी जबान पर काबू रखा करो। कितनी मुश्किल से हम उसका गम भुला रहे थे और तुमने फिर उसके आंसुओं का सिलसिला जोड़ दिया। सॉरी मंजू, जानबूझकर नहीं, अनजाने में मैं, मेरा मकसद ये नहीं था कि उस लड़की को मैं दुख पहुंचाऊं। मैं खुद ही जाकर माफी मांग लेता, ठीक है? सॉरी। सरस्वती प्लीज रो मत, प्लीज मुझे भूल हो गई, अनजाने में मुझे भूल हो गई। सरस्वती मुझे माफ कर दो, सरस्वती मुझे माफ कर दो। सरस्वती इसमें आपका कोई दोष नहीं है, भगवान की ऐसी इच्छा थी, मेरे भाग में तो भाई का प्यार ही नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। ऐसी बात नहीं करते, भगवान की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। सरस्वती प्लीज एक मिनट उठ जाओ। रो मत, ये शक्ल सूरत जो है वो ठीक है ना तुम्हारे हिसाब से? जी मतलब तुम्हारे सबसे ठीक है ना, मतलब कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है ना? अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा भाई बन सकता हूं सरस्वती। सच? सच, मेरी छोटी बहन नहीं है। अर्जुन में इतनी काबिलियत तो है कि वो छोटी बहन के आंसू पोंछ सके। बस हाँ? प्लीज देखो भाई मैं। होल्ड ऑन प्लीज सर, देशबंधु ऑन द लाइन। अजय देशबंधु, देखिए एक बात बहुत क्लियर कट बता देते हैं, आप मऊ से अपना अखबार निकालिए लेकिन हमारे क्षेत्र में गड़बड़ी मत कीजिए, समझ रहे हैं ना आप? किस गड़बड़ की बात कर रहे हैं मंत्री जी? लीजिए, बहुत भोले बन रहे हैं। अरे कबड़ वक्त समझते हैं हमको, अबे हाल ही तो मोटा मोटा लिख के छापे हैं कि विनोद पांडे की हत्या हुई थी। हैं? ये केवल मेरा विचार नहीं है मंत्री जी, ये खबर तो सारे इलाके में फैली है। अरे तो अफवाह फैलाने वाले के साथ आप भी गाल बजाएंगे, एक ठो अखबार क्या निकाली, अंतर्यामी समझ रहे हैं अपने आप को? मैं तो केवल सत्य की खोज कर रहा हूं मंत्री जी। अरे तो हिमालय पे जाइए। ए देखो दस बंधु, सरकार आप नहीं ना चलाते, हमको चलाना पड़ता है। हमको मालूम है कि विनोद पांडे ने आत्महत्या की है, समझ रहे ना आप? आपका विश्वास अपनी जगह है मंत्री जी, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं सच्चाई छापूं और जनता को हालात से अवगत कराऊं। और अपनी दुर्गत कराइए। ए देश बंधु, फालतू की बकवास छापने के लिए आपके अखबार में बहुत जगह है, पर मंत्री सत्यनारायण के लिए कलम व नहीं है। हम सतुर दौरे पर दौरा करते हैं, कभी खबर छापे हमारी? मंत्री जी जो खबर छपने लायक होगी वो मैं जरूर छापूंगा। शाबाश भैया देश बंधु, शाबाश। अब हम व्यर्थ हो गए, बेकार के आदमी हो गए। जब अखबार के लिए सरकारी कोटा चाहिए, जब सरकारी विज्ञापन चाहिए, तो हम बहुत काम का आदमी रहा, हमारे सामने दरबारी की तरह गिड़गिड़ात रहा ससुर। ठीक है देश बंधु, हमारा नाम सत्यनारायण है, देख ले अब तोहरा अखबार। धमकी देने की जरूरत नहीं मंत्री जी, वैसे राजनीतिज्ञ और पत्रकार का झगड़ा इस देश का दुर्भाग्य है,
लेकिन अगर मेरे चरित्र पर कोई आंच आई तो याद रखिए मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, अखबार किसी सरकार का मोहताज नहीं होता। अरे ये तो वक्त बताए देश बंधु, हमारा नाम सत्यनारायण है, सत्यनारायण, समझ गए का? अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक नहीं मंत्री जी, मैंने वो वक्त भी देखा है जब इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त भी यहाँ 2 लाल ऐसे थे जो अखबार चलाया करते थे, जवाहरलाल नेशनल हेरल्ड, मौलाना आजाद अल हिलाल, और अंग्रेज सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हेलो हेलो, हिलवे ही बंद कर दिए, खड़बड़ा गए ससुर। सर ये देश बंधु समझता क्या है खुद को? सर आपने बहुत ही सर चढ़ा दिया है। महिला जी ये है पॉलिटिक्स, बहुत डिफिकल्ट गेम है, इसमें गधों को भी सर पे बिठाना पड़ता है, लेकिन हम भी सरकार चलाते हैं, कब पटक देव कब गिरा देव ससुर समझ ही नहीं सकेंगे। ये तो मानती हूँ सर। खैर जाने दीजिए, आज ससुर ने मूड बहुत खराब किया है, आप एक काम कीजिए बंगले पे एक ठुप फोन कर दीजिए और बहूजी से कहिए कि अपनी भौजी के पास चली जाएं, उनका भी मन बहल जाएगा, हम भी बहुत व्यस्त हैं। समझ गई, सरकार चलाने की जिम्मेदारी बहुत है ना, समझ रही ना आप? जी समझ गई सर, ओके। और सुनिए, रात को खाना बंगले पे खाइएगा हमारे साथ, समझ रहे ना आप? जी। देखो बेटी, ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि आजकल मैं विनोद की हत्या के पीछे क्या राज है, क्या सच्चाई है, ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। मुझ पर राजनीतिक दबाव भी डाला जा रहा है कि मैं अपना हाथ खींच लूं, लेकिन मैं खींचने वाला नहीं हूं। मुझे पूरा विश्वास है डैडी, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। कर सकता है कौन? मेरी बेटी। मैं? हाँ, तुम और अर्जुन से तुम्हारा रिश्ता। देखो बेटी, तुम एक पत्रकार की बेटी और अर्जुन उस पॉलिटिशियन का बेटा जिससे तुम्हारा बाप जंग छेड़ चुका है। डैडी ये सही है कि अर्जुन एक पॉलिटिशियन का बेटा है, लेकिन वो एक आदर्शवादी भी है। कोई औलाद अपने बाप से नफरत तो नहीं कर सकती, लेकिन अर्जुन पॉलिटिक्स से सख्त नफरत करता है, और मैं इतना जरूर जानती हूं कि सत्य के लिए वो अपने बाप और भाई के खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। उसका नाम अर्जुन है डैडी, और उस नाम के सभी गुण उसमें हैं। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं संतुष्ट हूं। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपना भला बुरा जानती हो, मैं बाप हूं तो चिंता तो लगी रहेगी। खैर भगवान से प्रार्थना करूंगा अर्जुन तुम्हारी कसौटी पर खड़ा उतरे। तुम अपनी कसौटी पर खड़े उतरे हो बेटे, तुमने आज मामा का सर ऊंचा कर दिया। नहीं मामा जी, ये तो बस आपके प्यार लगन और आशीर्वाद का नतीजा है। तुम्हारे संस्कार भी तो तुम्हारे साथ थे, मेरे कंधों से आज एक बोझ उतर गया। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब अपने पिताजी के यहाँ जाकर उनका व्यापार संभालो और अपनी जिंदगी बनाओ, लेकिन इस मामा को मत भूलना। जीवन दाता को कोई भूल सकता है मामा जी? 5 साल के बच्चे को आपने पाल पोस कर इतना बड़ा जो कर दिया है, जीवन की हर कठिनाइयों से आपने मुझे बचाकर जो रखा है। बेटे अपने मामा की एक बात याद रखना मन में। हाँ मामा जी। तुम्हारी माँ ने एक सपना देखा था, वो अपने अर्जुन को महाभारत का अर्जुन बनाना चाहती थी, उसके सपने को साकार करने की कोशिश करना। हाँ। मेरी बहन ने सपना तब देखा था अर्जुन जब तुम सिर्फ 5 साल के थे। जीजाजी खिलौनों की जगह बेटे को बंदूक थमा दी। ओंकार सिंह, राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा बचपन से ही दी जाती है। आओ बेटे। अब जमाना बदल गया है जीजाजी, आज हथियारों से नहीं दिमाग से जंग और हुकूमत की जाती है। नहीं ओंकार सिंह,
हुकूमत हमेशा शक्ति से होती है और शक्ति से ही होगी। जिसके पास ताकत होती है वही राज करता है। शक्ति हिंसा का रूप धारण कर लेती है। नाम कुछ भी दे दो। ठीक कहते हो ठाकुर मेहताब सिंह, ताकत राज करती है। तुम्हारी ताकत ने मेरा सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि मेरे बाप की सांसें और मुझे जेल भिजवा कर मेरी आजादी। लेकिन अब मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। कौन तुम? सामने क्यों नहीं आते? आज ये ताकत मेरे हाथ में है ठाकुर मेहताब सिंह। ये तुमने क्या किया? तेरी मौत अपने गले लगा ली। भाग्यशाली हूँ, आपके हाथों जिदा पर रखी जाऊंगी। दीदी ऐसा मत बोलो। दीदी भैया ओंकार भैया, एक काम करना, अपने सुहाग से तो मैं हार चुकी हूँ। इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, लेकिन मेरे अर्जुन पर इस माहौल का साया मत पड़ने देना। हुकूमत की भूख उसके अंदर मत पैदा होने देना। अपने आदर्शों की भीख इसकी झोली में डालो भैया। अर्जुन इस आग में जलकर कोयला नहीं बनेगा। दीदी मैं उसे सत्य की भट्टी में तपा करके सोना बनाऊंगा। सोना सच ओंकार? हाँ दीदी हाँ। मेरा सपना साकार होगा। मेरा मेरा सपना। बेटे तुम्हारी मां को दिए हुए वचन की लाज रखना। आखिरी सांस तक मामा जी, आखिरी सांस तक। दिन रात दिलो दिमाग में बस एक ही ख्याल रहेगा, मुझे अपनी मां का सपना पूरा करना है। और मैं किसी चीज के लिए नहीं रुकूंगा मामा जी, किसी चीज के लिए नहीं। मैं चलूं मामा जी? जाओ बेटे, भगवान सदा तुम्हारा साथ दे। जय माता दी। जीते रहो अहमद। आओ बैठो बैठो। भाई अब तो तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, निर्भीक पत्रकार जो किसी की चिंता नहीं करते। ये फटफटिया इतना शोर करती है लेकिन तुम इस पे सवार होकर कोठी तक चले आए। चाचा माफ कीजिएगा, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि इस मशीन के शोर से आपको इतनी तकलीफ पहुंचेगी तो यकीन मानिए मैं दूरी से इसका गला घूम देता। खैर जाने दो, जनता की सेवा का बीड़ा उठाया है तो कष्ट तो सहने ही होंगे। जय माता दी। तुम सुनाओ कस्बे में कैसे आना हुआ? चाचा मास्टर पांडे का कत्ल हुआ और पुलिस ने इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं ली, यह कहकर कि आत्महत्या थी मामला दबा दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, आपका क्या ख्याल है? हां भाई, पांडे जी की मौत का हमें बहुत अफसोस है, लेकिन होने यूं ही लिखी थी। राजनीति के जोश में पुलिस के हाथों में पड़ गए, पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया। पांडे जी बेचारे शरीफ आदमी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सके, आत्मग्लानी का शिकार होके आत्महत्या कर ली। अब चाचा पांडे जी पर कोई बलात्कार या कत्ल का केस तो था नहीं जो शर्मिंदगी के मारे आत्महत्या कर लेते? असलियत का पता लगा नहीं आया हूं मैं। बहुत अच्छी बात। ये मेरा बेटा नाहर सिंह है। बाबूजी मैंने सारा प्रबंध कर दिया है, अब हरिपुर की सारी कपास हमारे पास ही आएगी। बेटा नाहर सिंह, इन्हें पहचानते हो? ये अहमद मियां हैं, अखबार में काम करते हैं। आदा।
पांडे जी की मौत की छानबीन कर रहे हैं। हमारे कस्बे का लड़का है, तुम्हें याद होगा वो अब्दुल रहीम, वो भिष्टी जो हमारे यहाँ पानी भरा करता था। हाँ, रहीम चाचू। भाई अहमद भाई, बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलकर। बड़ी खुशी इसलिए हुई कि हमारे क्षेत्र के छोटे छोटे लोग भी बड़ी तरक्की करने लगे हैं। वैसे कुंवर साहब, इंसान की तरक्की का ताल्लुक उसके मजहब, उसके तबके, उसकी कौम और उसके पैसे से नहीं होता। अबे मेरे बाप तो बहुत बड़ा काम करते थे, लोगों की प्यास बुझाते थे। वैसे मेरी तरक्की मेरे बाप की देन नहीं है, मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। अच्छा चाचा, चलता हूँ, फिर दर्शन करने के लिए आऊँगा। आला बर्दे भाई अहमद, हमारी मदद की जरूरत हो तो आधी रात चले आना। शुक्रिया कुमार साहब, जरूरत पड़ी तो जरूर आपको तकलीफ दूंगा। बाबूजी, अपना अर्जुन आ गया। नाहर, अर्जुन आ गया। ए भैया, अर्जुन भैया। अर्जुन अरे यार, तूने हमें आने की खबर क्यों नहीं दी? तेरा ऐसा स्वागत करता, ऐसा स्वागत करता कि सारा शहर देखता कि हमारा राजकुमार आ गया। मैं आपके चेहरे पर यह खुशी देखना चाहता था भैया, जो अचानक मुझे सामने आने से आपको हुई है। अर्जुन, अरे सिर्फ तेरा नाम ही हमारे चेहरे पर खुशियां बिखेरने के लिए काफी है। सच कहता हूँ, तू मुझे दुनिया में सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। सच? हाँ। ठीक है भाई, भाई भाई को प्यारा है, लेकिन बूढ़ा बाप भी तो यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा है। आओ 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 आओ। बाबूजी जीते रहो बेटा। बाबूजी, जिस औलाद का आप जैसा पिता हो, उसे और क्या चाहिए। चलो आज तुम दोनों को अनुपमा के सामने खड़ा करके कहूं कि आज तुम्हारे दोनों बेटे अपने पांव पे खड़े हो गए। चलो आओ। अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं भाई? अगर आप लोग इसी तरह चुप्पी साधे रहेंगे तो हर रोज यहां पर यही होता रहेगा। आप लोग भी यही समझते हैं कि मास्टर विनोद पांडे ने आत्महत्या कर ली? भाई विनोद पांडे जैसा शरीफ और सुखी आदमी आत्महत्या क्यों करेगा? क्या उसका किसी से कोई झगड़ा था, कोई मनमुटाव था? ऐसे शरीफ आदमी का कत्ल हो जाए, यह कितनी दर्दनाक बात है, लेकिन आप लोगों पर इस बात का कोई असर नहीं। कमाल है, आप में से कोई भी आदमी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि विनोद पांडे के कातिलों को सजा मिले? चाहते तो ये सब हैं अहमद मियां, लेकिन भय ने इनके होंठ सीधे हैं। धनवानों के पास इनकी इच्छाएं गिरवी हैं, इनकी सांसों पर पहरे लगे हैं। जो झूठ को नंगा करने से डरते हो, उनसे सच बोलने की उम्मीद कैसे रखते हो? कुछ पल जीने के लिए हर पल मरते हैं ये लोग, इन चलती फिरती लाशों से क्या आशा रखते हो? सुना आप लोगों ने, ऐसा डर भी किस काम का जो आदमी को अपनी नजरों में ही गिरा दे। तो बता करीम, मास्टर पांडे की किसी से कोई दुश्मनी थी? तो बता, कोई झगड़ा था किसी से? अरे तू तो कुछ बोल रहा गू। ठीक, मैं भी तुम्ही लोगों में से एक हूं, लेकिन किसी से डरता नहीं, पता तो लगा के ही रहूंगा। ऋतुराज भाई, शायद तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि विनोद पांडे की मौत के पीछे किसका हाथ था?
अहमद मियां, अगर मुझे पता होता तो पापी कानून के हाथ में होता। कहीं ऐसा तो नहीं है ऋतुराज कि तुम भी किसी से डर रहे हो? इसी डर की वजह से सच्चाई पर अनजाने का पर्दा डाल रहे हो? डर, लालच, बुराई, हिंसा, ये सब भाषा ऋतुराज क्या जाने। वो तो प्रेम का पुजारी है, सत्य का पुजारी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सच की बंसी जब बजे, बजे ताल बेताल। जाके मुंह में झूठ है, ताकि जेब में माल। और फिर अपना क्या बिगाड़ेगा अहमद मियां कंगाल। बस संजय, अपने लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि कोई मुंह ना खोले। जी। और जो मुंह खोले उसका मुंह पैसों से बंद कर दो। जी। और जो और अगर पैसा थूक दे तो समझ गए ना? हाँ जी। जाओ। सुनो अंजैया, हवेली जाकर छोटे मालिक अर्जुन को खबर कर दो कि मैंने उन्हें मेल ऑफिस में याद किया है। बाबूजी, आप अभी अर्जुन को ये कुर्सी सौंपी है और कहिए कि मिल का कारोबार संभाले। हाँ नाहर बेटे, मैं भी यही सोच रहा हूं कि राजनीति में आने के लिए तुम्हें पूरा समय देना चाहिए। पता नहीं कौन मलिच इस कमरे में रहता है। छी छी, इतनी सीक्रेट। रेल के इंजन की तरह धुआं छोड़ता होगा, शराब भी पीता होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहब, साहब माफ करना, मैंने देखा नहीं। साहब तो देखना चाहिए था ना। अब देख के फेंकूंगी साहब। देख के फेंकेंगी? हाँ साहब। यानी मुझे देखते ही आप कचरा फेंकेंगी? नहीं नहीं साहब, आपको देख के फेंकूंगी। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो साहब। माफ कर। साहब शिकायत मत करना साहब। कमरा तो मलेच्छ था ही, आपने मुझे भी मलेच्छ बना दिया। साहब दो दिन की छुट्टी पे थी साहब। जी जरूर थी। दो दिन की कसर आपने एक ही झटके में निकाल दी। कमरा भी साफ कर दिया और ये मुझे भी साफ कर दिया। अभी गर्म पानी लेके आती हूँ, थकान भी उतर जाएगी और गंदगी भी साफ हो जाएगी। अभी लाई। साहब खाना क्या खाएंगे? ये सिगरेट के टुकड़ों की सब्जी बना लेना। कुछ भी बना दो जिससे पेट भर जाए। और सुबह चाय किस वक्त पियेंगे? जब सुबह हो जाए। अरे साहब सुबह तो बहुत सबरी हो जाती है, आप पांव पसारे सो रहे होंगे और चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं, हम आपकी चाय के इंतजार में सोएंगे ही नहीं। साहब लोग ऐसे थोड़ी बोलते हैं। पागल है, बुरी नहीं। अहमद मियां काम करने आए हो, समझ जाओ।
موقع واردات کے معائنے کے دوران ایک خاص بات سامنے آئی۔ جس پیڑ پر ونود پانڈے کی لاش ٹنگی ملی، اس پیڑ کی ایک موٹی ڈال پر رسی گھسنے کے صاف نشان ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھاری چیز کو رسی میں باندھ کر اوپر کھینچا گیا، جو ونود کا جسم بھی ہو سکتا ہے، لیکن خودکشی کرنے والا رسی باندھنے کے بعد خود کو پھندے میں ڈال کر کیسے لٹکا سکتا ہے، اور پیڑ کی ڈال پر رسی کے نشان کیسے پڑ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ گھٹنا آتم ہتیا کی ہو ہی نہیں سکتی۔ احمد کے اس خط کے مطابق یہ گھٹنا آتم ہتیا ہو ہی سکتی۔ بات تو خود یہ کہہ رہا ہوں دیش بندھو کہ میرا بیٹا آتم ہتیا نہیں کر سکتا، اس کی ہتیا کی گئی ہے، لیکن کیا احمد کے ہاتھ کوئی ثبوت لگا؟ کوئی اپنی زبان کھولنے کو تیار نہیں رامناتھ، لگتا ہے ڈر کے مارے سب نے اپنے اپنے منہ پر تالے لگا لیے۔ کچھ تھوڑے بہت ثبوت احمد کے ہاتھ لگے ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، احمد ایک ایماندار لڑکا ہے، محنتی لڑکا ہے، میرا وشواس ہے کہ وہ ضرور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا۔ بھگوان اس کی سہایتا کرے، لیکن دیش بندھو جب تک میرے بیٹے کے قاتلوں کے گلے میں پھانسی کا پھندا نہیں پڑتا، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ مر گیا سالا۔ سالا کیسا تڑپ رہا ہے دیکھو۔ انجے اٹھا جلدی، اے ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ، معلوم نہیں یہاں شکار کرنا منع ہے؟ ارے نئے نئے آئے کیا؟ ان کے لیے کچھ بھی منع نہیں ہے۔ ارے ان کے پتا ٹھاکر مہتاب سنگھ ودھائک ہیں۔ ارے نوکری کرنی ہے تو چپ چاپ چلتا بند، نہیں تو ایسے جوتے پڑیں گے۔ چلو چلو انجیا، آج اتنا ہی کافی ہے، چلو بیٹھو۔ بھگوان دین جی حضور، آخر یہ سب چکر کیا ہے؟ حضور یہ وہی چکر ہے جو ہندوستان کے ہر کونے میں ہے، ہر گاؤں میں ہے۔ حضور یہی گاؤں کے راجہ ہیں، یہی گاؤں کے زمیندار، اب یہ ودھائک ہیں۔ پہلے بھی ان کی چلتی تھی، اب بھی ان کی چلتی ہے۔ حضور ہماری تو بھلائی اسی میں ہے کہ یوں کرتے جائیے اور یوں کرتے جائیے۔ ہاں انجیا جی سرکار، اصلی شکار تو سالا یہ ہے، یہ یہ ہے کون سالی مچھلی کون ہے؟ کنور صاحب، ایک کملی ہے، کملی ہاتھ نہیں دھرنے دیتی۔ کیوں بدھائی، کملی سے شادی کرے گا؟ صرف ہاں بول، کملی تیرے گھر میں ہوگی، گھر میں۔ کیا کہہ رہے ہیں کنور صاحب؟ ستیہ وچن کہہ رہا ہوں۔ آؤ بدھائی آؤ، مبارک بدھائی، شادی مبارک۔ یہ سب تو آپ کی کرپا ہے،
बाकी हम का काबिल हैं सरकार। अंजया उदय को ले जाओ और हमारी तरफ से इतनी शराब पिलाओ, इतनी शराब पिलाओ कि बुदई की सुहाग रात रंगीली होने के बजाय रसीली हो जाए। जाओ चलो मजा करो। अब तेरी रात रसीली और मेरी रंगीली। उदय सुहाग रात रसीली बनानी है ना, पियो 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 मेरे लाल। अरे पियो ना, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे दार पकड़, चुप चुप, जाने दो, मुझे जाने दो। अरे मेरे लाल, सुहाग रात तो हमारे नाहर साहब मना रहे हैं। बुदई, अरे ऐसे भी क्या देख रहा है बुदई? हमारी जूठन भी किस्मत से मिलती है मालूम है? जा ये रख ले, रख ले रे। कल कमली को गंगा नहला देना। जा जा जा। इतनी घबराई क्यों साहब? वो कमली है मेरी सहेली, आज उसका ब्याह हुआ और इसमें घबराने की क्या बात? साहब उसने आत्महत्या कर ली, उसका पति भी चल गया साहब। हाँ हमारी बस्ती में प्रकोप आ गया है साहब, जल्दी चलिए, चल के देखिए तो सही। साहब वो देखिए साहब, बात बताओ केतकी, तुम्हारी सहेली ने खुद अपने आप को जला लिया या उसे जलने पर मजबूर किया गया? यार बहुत सी लड़कियों की तरह से जला दिया गया। ये तो भगवान ही जाने साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह हादसा भी विनोद की मौत की तरह एक रहस्य ही लगता है, वरना गांव का एक सीधा साधा जोड़ा जिसकी शादी शाम को हुई वो रात को खुदकुशी क्यों करेगा?
ये भी मेरे बेटे की तरह एक हत्या है देश बंधु, हत्या, अपने ढंग का बलात्कार। बलात्कार? हाँ, तो ताकतवर रईस भेड़िया किसी मासूम लड़की को हासिल करने के लिए उसकी शादी अपने बंधुआ नौकर से करा दे और फिर खुद भोगे उस मजबूर को, कोई नई बात तो है नहीं। आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, लेकिन सच्चाई को आग की लपटों में जला दिया गया है। इतनी आसानी से बलात्कारियों को कामयाबी का जश्न नहीं मनाने दूंगा। अच्छा जी, एक बात बताइए, विनोद आदतन अपनी जेब में कंगा रखता था? उसे तो अपनी किताबें सवारने से फुर्सत नहीं थी, कंगा क्या रखता। इसका मतलब है कि कंघा कातिलों में से ही किसी एक का है। तुम्हारा मतलब है कातिल एक से ज्यादा होंगे? हाँ मानी, कम से कम चार लोग होने चाहिए। ये देखो, वहां पे पैरों के निशान मिले हैं जिनका साइज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लिहाजा एक से ज्यादा आदमी होना चाहिए। ये कंघा भी मिला है मुझे वहां से, कुछ बाल हैं उसमें, ये बाल हमारी काफी मदद कर सकते हैं। अहमद, तुम्हारी खोजबीन को कोई दिशा मिली भी है या यूं ही? थोड़ी सी रोशनी तो नजर आई है, लेकिन अहमद, इसमें हम अर्जुन से मदद लेंगे, वो जरूर हमारी मदद करेगा। नहीं मंजू, घुटने हमेशा पेट की तरफ ही झुकते हैं। जो थोड़ी सी रोशनी मुझे नजर आ रही है उसमें नाहर का चेहरा साफ उभरता नजर आता है, और नाहर सिंह अर्जुन का भाई है, और अर्जुन अपने भाई को बहुत चाहता। जब तक हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं लग जाता तब तक अर्जुन से कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट अहमद। वैसे भी बिना सबूत के किसी पर प्रहार करना एक अच्छे पत्रकार का काम नहीं होता। ये दो कौड़ी का पत्रकार और उसकी ये जुर्रत, अहमद के हाथ स्याही से लिखते हैं तो नाहर सिंह के हाथ खून से लिखते हैं, समझे? अंजैया, उस दो कौड़ी के पत्रकार के हाथ को ऐसा कर दो कि वो कलम पकड़ने के लायक ही नहीं रहे। हुजूर, हाथ ही क्या, हम तो टांग भी किसी लायक नहीं रहने देंगे। पत्रकार हाथ में दिल्ली अपना टिकट पकड़े, चल भाग चलते। Thank you.
शुक्रिया दोस्त, तुम अगर वक्त पर नहीं आते तो वरना खून ही नहीं बचता निकलने के लिए। दोस्त भी कह रहे हो और शुक्रिया कहकर उस रिश्ते की तौहीन कर रहे हो, लेकिन अहमद ये थे कौन जिन्होंने तुम पर हमला किया? अखबार वाला हूँ, दुश्मन आजार है। शबा तो है कि कौन लोग थे, यकीन नहीं, इसलिए किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। लगता है तुम अभी तक यहाँ के माहौल से अजनबी हो। पुलिस में रिपोर्ट करना अपना वक्त बर्बाद करना है, और डॉक्टर के पास ना जाना अपना खून बर्बाद करना है। चलो चलो, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, चलो। लेकिन मैं एक बात कहूँ अहमद मियां, तुम तो बिल्कुल हीरो की तरह फाइट कर रहे थे। रियली? अमां छोड़ो यार, क्लाइमैक्स तो तुम ले गए, और किसी हीरो की तरह आए और बस वो कुछ यूं करके और वो अपने क्या उसे कहते हैं गुंडों को मारा और भगा दिया। तालियां तो पब्लिक की तुम्हें मिली। हम दोनों की खूब पटेगी। तुम जिंदा दिल इंसान हो और मैं जिंदा दिली का दीवाना। एक घटिया तो जुमला है, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। साहब क्या हुआ? ये निगोड़ी फटफटिया, मैं तो पहले कोसती थी इसे, देखो ना। अरे क्यों उस फटफटिया को कोस रही हो? वही तो है बेचारी जो शहर से यहाँ तक लेकर आती है मुझे तुम्हारे पास। आग लगे उसे, जो आपकी जान के पीछे लगी है। फटफटिया ने चोट नहीं लगाई है, गुंडों ने लगाई है। अचानक कूद पड़े कहीं से और टूट पड़े मुझ पर। भगवान करें कि हाथों पांव में कीड़े पड़े। कौन थे वो हरामी? साहब तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ के लोगों की दुश्मनी जान लेकर पूरी होती है। डरा रही हो मुझे? नहीं साहब, अपने मन का डर बता रही हूँ। केतकी की जिंदगी में रोशनी हुए अभी दो ही दिन हुए। अरे पगली, घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, और अभी तो तुम्हारी जिंदगी में हजारों चिराग रोशन होने हैं। सच साहब, मैं भी हल्दी और दूध लेके आती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ आने से पहले डॉक्टर के यहाँ से होकर आया और ये दवाएं लेकर आया। ये दवा मुझे 3 घंटे के बाद खानी, ये दवा मुझे 2 घंटे के बाद खानी, ये दवा मुझे घंटे घंटे के बाद खानी, और इसके साथ हर बार 1 गिलास पानी पीना है। ठीक, अब मुझे काम करने दो, काम करने दो, चलो जाओ। जान से ज्यादा तेरा है काम, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम कर लो, काम करेंगे। बोला ना अभी जाओ। गुस्सा क्यों करते हो साहब, सीधा बोलो ना, चली जाऊंगी, जाती हूँ।
पोली खा लो, ताजा पानी लाई हूँ। अरे अकल की अंधी, गोलियां पेट भरने के लिए थोड़ी खाई जाती हैं, इलाज करने के लिए खाई जाती हैं। मैंने घंटे भर पहले गोली खाई है और अब घंटे भर के बाद में खानी है, समझी कि नहीं समझी? बात बात से नाराज होते हैं, हमारे पास कौन सी घड़ी है? थोड़ी धूप चढ़ी, हम समझे बखत हो गया। अच्छा, ये लो घड़ी, अब धूप तुम्हें धोखा नहीं देगी। ठीक साहब, ये मुझे दिए है? हाँ तुम्हारे लिए। ये मेरी हो गई साहब? हाँ तुम्हारी हो गई, मेरी तरह। ए साहब, आप इस घड़ी की तरह मेरी? हाँ सच साहब? हाँ सच। सच कह रहे हैं साहब? सच कह रहा हूँ मैं, वाकई सच कह रहे हैं। अरे यार काम करने दो ना मुझे। साहब लोग ऐसे थोड़ी बोलते नहीं, साहब लोग तो गधे होते हैं। किसानों की मांगे पूरी हो, 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 किसानों की मांगे पूरी हो। हेलो दीपक। नमस्ते मंजू जी। आखिर तुमने किसानों की यूनियन बना ही ली है? सिर्फ बना ही नहीं बल्कि लड़ाई भी शुरू कर दी है, और आपके पास आया हूँ मदद के लिए, इन गरीब किसानों के साथ। लड़ाई और मेरी मदद? जी आप पत्रकार हैं और इन किसानों के साथ शोषण करने वालों के खिलाफ आप हमारी आवाज जनता तक पहुंचा सकती हैं। तो अर्जुन क्या कर रहा है? वो एक ही तो है जो ठाकुर मेहताब सिंह का बेटा होते हुए भी अपने बाप और भाई के कदमों पर नहीं चलता। अर्जुन के रगों में भी सत्ता के नशे में चूर शक्तिशाली विधायक शोषण करने वाले ठाकुर मेहताब सिंह का ही खून दौड़ रहा है। बैल से दूध की आशा करना मूर्खता है मंजू जी। मैं तुम्हें कैसे गाय से मिलाती हूँ जो दूध भी देती है और समय पड़ने पर सिंह भी मार सकती है? उसका नाम है ठाकुर ओमकार सिंह। भाई दीपक, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि किसानों के दुख दर्द की कहानी सुनाने वाली कोई आवाज तो पैदा हुई, और तुमने इनकी जिम्मेदारी लेकर एक बहुत बड़ा काम किया। लेकिन बेटे एक बात ध्यान रखना, जरूरत लड़ाई झगड़े प्रदर्शन और खून खराबे की नहीं है, बल्कि किसानों में जागृति पैदा करने की है, ताकि वो अपने महत्व और अधिकारों को समझ सकें। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, अपने अधिकार मांगने की हिम्मत भी पैदा कर सके। और जब तक किसान सर झुकाए हल में बैल की तरह जुता रहेगा, तब तक कोई क्रांति नहीं आएगी। और जहां तक इन किसान भाइयों की समस्याओं का ताल्लुक है, उनका हल शांति से ढूंढा जा सकता है। वो शांति दूत और कोई नहीं, मेरा अपना भांजा और तुम्हारे विधायक ठाकुर मेहताब सिंह का बेटा अर्जुन है। अर्जुन? तुमने अभी अर्जुन को जाना ही नहीं है, मैं जानता हूं उसे, इसीलिए विश्वास है। अगर तुम उससे बात करोगे, तुम्हारी कपास की कीमत तो दिलाएगा ही, भविष्य में किसानों का शोषण भी नहीं होगा। ठाकुर अर्जुन सिंह के जय! ठाकुर अर्जुन सिंह के जय! ठाकुर अर्जुन सिंह के जय! ये जय जयकार हमारे खेल को पलट देगी, क्योंकि ये गलत आदमी के लिए हो रही है। नाहर को इसकी जरूरत है, तुम्हें नहीं। तुम्हें खाली जय जयकार से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें दौलत बटोरनी है, दौलत। इसलिए बाबूजी, किस लिए, किसे जरूरत है इस बेशुमार दौलत की? नाहर को, तुम्हें, हमारे परिवार को। और भले वो किसी भी तरह कमाई जाए, चाहे उसमें से गरीबों के खून पसीने की बू आ रही हो, किसानों की सिसकियां उस दौलत के ढेर के नीचे दबी हुई हो। व्यापार के कुछ नियम हैं बाबूजी। व्यापारी को केवल लाभ के बारे में सोचना चाहिए, लाभ और लाभ कमाने के लिए जतन करना चाहिए। लाभ का दूसरा नाम धन है। तुम व्यापारी हो, केवल धन के बारे में सोचो। ये खून पसीने की बदबू से तुम क्यों परेशान हो? क्योंकि मैं इंसान हूं बाबूजी, इंसान हूं। ये धन कमाने की कोई बेजान मशीन नहीं। मुझे इतनी दौलत की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, जिसके बोझ से मेरा दम घुटने लगे। गलती हमारी थी कि तुम्हें ऐसे आदमी के साये में पलने दिया जो आदर्शों की डुगडुगी बजाता है, जो दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम दौलत को छूत की बीमारी समझते होगे, लेकिन नाहर के लिए वो अमृत का काम करेगी, क्योंकि आज राजनीति के शरीर में आत्मा केवल दौलत फूंक सकती है, दौलत। और दौलत कमाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर लाइज अ क्राइम बाबूजी। दौलत के ढेर लगाने के लिए अपराध का सहारा लेना पड़ता है।
लेकिन मैं आपके अपराधों का साझेदार नहीं बन सकता। ठाकुर मेहताब सिंह MLA, जनता के प्रतिनिधि, मैं इस मामले में आपके साथ नहीं। रामनाथ, यह है विनोद की हत्या के कुछ सबूत। कुछ और सबूतों के बारे में पता लगा है जिन्हें हासिल करने के लिए अहमद गया हुआ है? हेलो मंजू। अरे अरे भाई, हम तुमसे मिलने आए हैं और तुम मुंह फेर के चली जा रही हो। कहां जा रही हो? तुम्हें मेरे मुंह से क्यों दिलचस्पी होने लगी? अरे भाई कमाल है, ये चांद सा मुखड़ा देखने के लिए हम दौड़े चले आए और आप कहती हैं कि हाँ, दौड़े चले आए? दो दिन से दौड़ रहे हो ना शहर में, तब जाकर यहाँ पहुंचे हो। बोलो, किसने कहा तुमसे दो दिन? हाँ, उस अहमद के बच्चे ने कहा होगा। तुम्हारे बारे में जानकारी रखने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे एक एक पल का हिसाब रखती हूँ मैं। कहो तो ये भी बता दूं कि कितने बजकर कितने मिनट पर अपने पिताजी से लड़कर घर छोड़कर चले आए हो। क्यों नहीं होना चाहिए था वो हुआ, इसलिए अपसेट था। और कुछ होना हो रामनाथ, इस हत्या के पीछे क्या राज है उसे तो हम फाश करके ही छोड़ेंगे। ओहो चाचा जी, ये मंजू दीदी भी कैसी भुलक्कड़ है। अब क्या किया उसने? ये अर्जुन भैया की राखी पोस्ट नहीं की। हाँ, अर्जुन भैया क्या कहेंगे। यही ना कि सरस्वती कैसी बहन है। वो आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है ना, मैं सरस्वती का दिल नहीं दुखाना चाहता था इसलिए आया। चलो, सरस्वती के बहाने ही सही तुम्हारे दर्शन तो हो गए। चलो। ओ माँ, मैं तो भूल ही गई, सरस्वती ने तुम्हारे राखी का लिफाफा मुझे दिया था, मैं पोस्ट करना भूल गई। सरस्वती जल्दी आओ, तुम्हारे अर्जुन भैया आए हैं। ले आ गया तेरा भैया। बावली कहीं की, देखा कैसा मुंह लटका के बैठी थी। रामनाथ, बहुत अच्छा हुआ जो अर्जुन आ गया वक्त पे। बहुत अच्छा हुआ, वरना इस बिचारी के लिए बहुत निराशा का दिन होता ही है। भैया, जरूर दीदी को मालूम होगा कि आप आने वाले हैं, इसलिए मेरी राखी पोसने की। क्यों दीदी? अच्छा क्यों बहना, अपने भैया को अपना प्यार डाक से भेजोगी क्या? इंतजार नहीं करोगी? जाओ राखी ले आओ और हाथ पर बांधो, आज के दिन सूनी कलाई अच्छी नहीं लगती। जाओ। अभी आई। चलो हम भी देखते हैं है? ये भाई बहन का प्यार। भगवान करे रक्षाबंधन का त्योहार हर महीने आए, कम से कम तुम्हारे भैया इसी बहाने तो आया करेंगे। अच्छा ठीक है, अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए ये मुसीबत भी हम भुगत लेंगे। हाँ सरस्वती, क्या कहा? अच्छा जोक। चलो भागो भागो चलो।
हरामजादे, हीरो बनने का इतना ही शौक था तो किसी दूसरे गांव में जाकर अपने बाल कटवा लेता। तुझे मालूम नहीं अहमद कंगे वाले को ढूंढ रहा है? गलती होगी सरकार। गलती हो गई है? तेरी गलती से हमारी गर्दन फंस गई तो? उस हरामी अहमद के पास तेरे बालों के नमूने हैं, नमूने। उसे दो और दो चार करने में देर नहीं लगेगी। इससे पहले कि अहमद के हाथ हमारे गर्दन पर पड़े, हमें उसके हाथ काटने पड़ेंगे। चलो मेरे साथ। उठो। पलट कर कब आओगे? जल्दी ही लौट आऊंगा, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंतजार तो आंखों से ओझल होते ही शुरू हो जाएगा। ये जो तुम्हारी पलक है ना, इसके झपकने से पहले ही लौट आऊंगा। आंख मूंदने से पहले आ जाना। अरे पगली। अच्छा ये बताओ टाइम क्या हुआ है? टाइम दो कम बारह। देखा, देर करवा दी ना, अब मुझे जाना है। अपना ख्याल रखना, मेरा बहुत कुछ है तुम्हारे पास। बहुत कुछ है तुम्हारे पास। ठाकुर साहब, वो अखबार वाला तो उस कमरे में नहीं है, बाहर से ताला लगा है। जाने दो साले को, कहां भागेगा। दुनिया गोल है, लौटकर वापस नार सिंह के कदमों पर ही गिरेगा। ये कौन बेचैन आत्मा भटक रही है? डाक बंगले में सफाई का काम कर दिया है, अखबार वाले का दिल भी साफ कर दिया है। और वो अखबार वाला? वो भी उस पर मरता है ठाकुर साहब। अच्छा, मतलब ये त्रुप का पत्ता हो सकती है। तो आपके दरबार में पेश कर दूं, आपकी रात भी रंगीन हो जाए और अहमद की जिंदगी भी। गधे की औलाद, ठाकुर नार सिंह बासी रोटी नहीं खाता समझे, कुत्तों को खिलाता है। जाओ, वो तुम्हारे लिए है, हमारी तरफ से तुम्हारी वफादारी का इनाम है वो। जाओ। Oh!
Yes, Mr. Ahmed. What can I do for you? श्रीवास्तव जी, मैंने आपको पहले भी बाल दिए थे। Yeah. ये भी उसी आदमी के बाल हैं। अच्छा। मेरा शुबा है कि ये भी कातिलों में से एक है। मिस्टर अहमद, आपने जो कंघा दिया उसमें से निकले बाल और इस सैंपल के बाल अगर एक ही इंसान के निकलते हैं तो आपका शुबा यकीन में बदल जाएगा। जी। केस की रिपोर्ट कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, यस, हेलो, कौन? अहमद साहब, दिस इज फॉर यू। मेरा फोन? हाँ, यहाँ। हेलो, जी अहमद बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? राम सिंह, केतकी की लाश से निकाला हुआ छुरा और उसकी चोली से निकली हुई घड़ी सील कर दो। मैं रोज नामचे में इंद्राज करके एग्जिबिट नंबर डाल दूंगा। यस सर। चढ़ा दिया, लेकिन मैं वादा करता हूं जिसने भी तुम्हें मुझसे छीना है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे सजा जरूर होगी केतकी, जरूर होगी। साहब, किसी ने ऋतुराज की जबान काट ली। देश की वो जबान जो आज तक प्यार मोहब्बत का पैगाम देती थी आज खामोश हो गई। ऋतुराज की जबान नहीं काटी गई इंस्पेक्टर, आतंकवाद ने सच्चाई की जबान काटी है। ऐसा घिनौना जुल्म कौन कर सकता है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कानूनी तौर पर मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे हाथ कोई ठोस सबूत ना लग जाए। सबूत तो आपको मिलेगा भी नहीं, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं केतकी और ऋतुराज के दुश्मनों से बदला जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऋतुराज से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है।
वो तो बहुत मीठा बोलता था, कबीर भक्त। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उसकी जबान काट ली, ये तो आतंकवाद है। वो भी आपकी नाक के तले, आप ही के क्षेत्र में बाबूजी। अरे मेरे ही क्षेत्र में क्यों भाई, सारे देश की यही दशा है। आप अपने क्षेत्र को संभालिए बाबूजी, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो सारे देश से आतंक की जड़ें उखाड़ कर फेंकी जा सकती हैं। अर्जुन बेटे, ये आतंकवाद कोई कान का महल नहीं है जो रुई से साफ करके फेंक दिया जाए। ये बरगद के पेड़ की तरह फैल चुका है। इसकी जड़ें जितनी जमीन के अंदर हैं उतनी ही बाहर फैल चुकी हैं। ताजुब की बात यह है बाबूजी कि अभी तक आपने ये नहीं कहा कि कोई विदेशी ताकतें हमारे देश के गद्दारों को खरीद कर देश की शांति को भंग कर रही हैं। खैर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यहां सत्ता आपकी है। अगर आप चाहें उन बेईमान पुलिस वालों को आप सजा दिलवा सकते हैं जो जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। अगर तुम मुझे किसी पुलिस वाले के खिलाफ एक भी सबूत दिलवा दो तो मैं उसकी वर्दी उतरवा दूंगा। जहां तक सवाल है ऋतुराज का, तो मैं सिर्फ एक MLA हूं, पुलिस नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा उसे मुआवजा दिलवा सकता हूं। सरकार के पास आंसुओं को पोंछने के लिए मुआवजा नाम का एक अच्छा रुमाल है बाबूजी। हालांकि जो कीमत इंसान की जान की लगाई जाती है वो चिता की लकड़ियों के लिए भी बहुत कम पड़ जाती है। बाबूजी, क्या यह व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी? हाँ, न जाने कितने ऋतुराज हर रोज अपनी जबानें कटवाकर खामोश हो जाते हैं। ऋतुराज का तो मुझे भी बहुत अफसोस है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अहमद, आखिर आपकी मेहनत रंग लाई। श्रीवास्तव साहब, आपका मतलब है कि मेरा ख्याल? आपका ख्याल बिल्कुल सही था। कंघे से निकले बाल और नाई के यहां से आए बाल दोनों एक ही इंसान के थे। दिस इज द रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच श्रीवास्तव साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। आपकी मदद से बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। मेरी गलती थी, सांप का फन कुचले बिना ही उसे छोड़ दिया। देखो जग्गी, अहमद जिंदा बचना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे उसकी मौत चाहिए, मौत। बचकर कहां जाओगे अहमद मियां? ओ अहमद मियां, बस गए ना आखिर, अब कहां जाओगे? चलो चलो, लाओ रिपोर्ट। लाओ भाई लाओ, लाओ रिपोर्ट दे जल्दी। चलो जल्दी करो, जल्दी।
मुझसे तुम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा अहमद की जबान बंद करके वो पापी समझते हैं, उन्होंने सच्चाई का गला घोट दिया, अब वो आजाद भेड़ियों की तरह घूमते फिरेंगे। नहीं, अहमद ब्याह उठाया था, उसे मंजू नहीं गिरने देगी। आज से वो झंडा मेरे हाथ में होगा। अहमद का अधूरा काम मैं पूरा करूंगी। अहमद ने उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए हैं वो उसने कहां रखे हैं मुझे मालूम है। मैं उन कातिलों के नकाब फाड़ कर रहूंगी। 16 बरस की उम्र में हमका, अरे 16 बरस की उम्र में हमका प्रेम का चढ़ा बुखार। बची है जान हमार, हो हमरे अंग आज लग जा,
पुलिस ने आकर बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, वरना उस नाहर को चूहा बनाकर छोड़ देती मैं। जी हाँ, बहुत बड़ा काम कर रही है महारानी झांसी के बाद, यही एक बहादुर पैदा हुई है। देखो बेटा, बगैर सोचे समझे तुम्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अरे नहार जैसे कमीने आदमी के मुंह लगना क्या कोई अकलमंदी की बात है? वो माना हुआ अपराधी है, कुछ भी कर सकता है। चली थी शर्लॉक होम्स बनने। मंजू बेटे, देश बंधु की जिंदगी का तुम ही सहारा हो, ये गरीब तुम्हारा ही तुम्हें देखकर जीता है, याद रखना। आपने कह दिया ना, मैंने मान लिया, मगर आज कल के राज से समझे तो ना। आप लोग राई का पर्वत बना रहे हैं, क्या अहमद के हत्यारों को यूं ही चैन की नींद सोने दिया जाए? अरे बाबा, मैं मुख्यमंत्री से मिल चुका हूँ, उन्होंने वादा किया है कि अहमद वाले केस में वो न्यायिक जांच करवाएंगे। करवाएंगे क्या, बल्कि खुद ही करेंगे। मंत्री जी, जानबूझकर मुख्यमंत्री जी ने ये चाल चली है, आपके क्षेत्र में खुद इंक्वायरी करेंगे तो आपकी पोजीशन क्या होगी? नाहर सिंह, हमारा नाम सत्यनारायण है। क्या है? पंडित सत्यनारायण। हाँ, और जो पोजीशन की बात करते, देखिए कौन बनाता है। अरे उस ससुर का पोजीशन भी तो हमें ही बनाए हैं, हम हिमालिया मेट कर देंगे, काहे चिंता करते हैं? मैं चिंता नहीं करता जी, मैं तो लाठी और बंदूक दोनों से लैस रहता हूँ, क्षेत्र में घुसते ही हाथ पैर तोड़वा दूंगा। लीजिए, हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं और आप वही ढाक के तीन पात। ए विधायक जी, लड़के को राजनीति में लाना चाहते हैं, ट्रेनिंग वह नहीं दिए। मंत्री जी, जवान लड़का है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो क्या जवानी से सरकार चलाएंगे? बुद्धि के बुढ़ापे के लिए बचा के रखे हैं आप? मुझे तो केवल जांच की चिंता है। अरे जांच करे वारे का तो कांच निकाल दे, वो ससुर तो पजामा पहनते है। जाने दीजिए, आप जरा मुख्यमंत्री को फोनवा लगाइए। एंगेज। एंगेज ही रहेगा, केंद्र में चापलूसी कर रहे होंगे ना ससुर, आप कोशिश करते रहिए। लग गया। हेलो, हाँ मंत्री सत्यनारायण जी मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जी। धन्यवाद, पत्रकारों से बातचीत हो रही है, 10 मिनट बाद मिलेंगे। अच्छी तरह समझते हैं, पत्रकारों को पटा रहा होगा, ये अखबार वाले बहुत चालू होते हैं, रात को आप ही का खाएंगे, सुबह आप ही को उड़ाएंगे। और ये मुख्यमंत्री एक ही बात कहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अरे भैया का बोर्ड पे लिखा है जो हाथ से मिटा देंगे, बुड़बक कहीं के। भ्रष्टाचार का नारा तो आपने भी दिया था भैया, वो तो सारे नेता लगाते हैं। एक बार हम पत्रकार लोगों के बीच में फंस गए, सो कह दिया कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। एक पत्रकार कहने लगा कैसे, हम कहे अफसर पे अफसर बिठा के। कहने लगा वो अफसर भ्रष्ट निकला तो, हम कहे दूसरा बिठा देंगे। एक ससुर बड़ा काइया रहा, कहने लगा कब तक अफसर पे अफसर बिठाइएगा, हम और कह दिए कि ससुर जब तक सारे रिश्तेदार नौकरी नहीं पा लेते। हेलो। हाँ, मैं मंत्री सत्यनारायण जी की कोठी से बोल रहा हूं। हाँ, बात करेंगे, एक मिनट एक मिनट, मुख्यमंत्री जी लाइन पर हैं। अरे लाइन पे तो हम लाएंगे ससुर को। हेलो सिंह साहेब। हाँ पंडित जी। सत्यनारायण। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। कहिए कैसे याद किया? भैया याद दिलाए के लिए याद किए हैं कि जो उन जांच का वादा किए हो ना, वो क्षेत्र हमारा है। हाँ हाँ, मुझे याद है पंडित जी, लेकिन जनता और अखबार वाला का बहुत दबाव पड़ रहा था मुझ पर, इसलिए मैंने। अरे इसलिए दबाव में आकर आप हमारा टेटुआ दबाएंगे? ए भाई, एक बात बहुत गौर से सुन लीजिए, हमारा नाम सत्यनारायण बा का पंडित सत्यनारायण। हाँ, और एक बात और भी समझते होंगे अच्छी तरह से कम 45-48 विधायक तो हमारी जे, हाँ समझिए 50 तो जेब में पड़े रहते हैं। लेकिन पंडित जी पर वो अरे क्या पंडित जी लगाए हैं, देखिए ज्यादा मूड खराब कीजिएगा तो एक ठो अविश्वास प्रस्ताव पास करा देंगे, फिर धोती लोटा लेके घूमिएगा गांव में, कोई कौड़ी को नहीं पूछेगा। देखिए देखिए पंडित जी, गड़बड़ाए गए ससुर, अविश्वास प्रस्ताव की धमकी दे रहे हैं। सत्यनारायण बहुत खतरनाक आदमी है, कुर्सी तो आपकी जाएगी जाएगी, वो टपका भी देंगे। सर उनसे कह दें सोच के बताएंगे। हाँ सत्यनारायण जी, मैं 2-4 दिन में सोच के बताता हूँ। अरे सोचे का है, देखिए अगर जांच होगी तो हम ही करेंगे। हाँ हम होल्ड करके बैठे हैं, अब ही जवाब दीजिए। जी ठीक है, अब ही जवाब मांग रहे हैं, वैसे जांच है ही तो करनी है, मैं करूं या वो, क्यों? ठीक है उन्हें ही करने दीजिए। हेलो पंडित जी,
हाँ, मुझे आपकी क्षमता और ईमानदारी पर पूरा पूरा विश्वास है, आप निष्पक्ष जांच करेंगे, ठीक है ना? बहुत सही है, अब आप कुर्सी से चिपके रहिए, कौन चिंता नहीं है, शाबाश। देखा ना हर सिंह, इसे पॉलिटिक्स कहते हैं, अब तो विश्वास हो गया कि सरकार हम ही चलाते हैं। बिल्कुल मंत्री जी, ये सबक मैं बिल्कुल याद रखूंगा। बहुत सुखी रहेंगे, लेकिन एक बात आप लोग भूल गए जिससे हम बहुत दुखी हैं। कौन सी बात? अरे वही कपास वाले मामले में नहीं कटवाए थे किसानों की गर्दन आप हमसे? माफ कीजिए पंडित जी, थोड़ी सी देर हो गई, आप चिंता मत कीजिए, आप जांच के लिए तो आई रहे ना, वही सब ठीक कर देंगे। नहीं तो माला उल्टी फिरा देंगे। हमारा नाम सत्यनारायण है। का है? पंडित सत्यनारायण। मंत्री सत्यनारायण जी की। नमस्कार। मंत्री जी की। धन्यवाद। मंत्री जी की। हो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। मंत्री जी के। मंत्री जी की। भाई विधायक जी चित्त प्रसन्न हो गया, हमारे क्षेत्र की जनता बहुत आनंद में है। एकदम चित्त प्रसन्न हो गया। आप जैसा नेता जिस जनता को मिले वो जनता सुखी भोगेगी। पॉलिटिक्स आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। परंतु हमें बहुत दुख हुआ, ये स्वागत समारोह में जनता का इतना पैसा काहे बर्बाद किए हैं? सर आप तो कहते थे स्वागत हो। अरे काहे गाल बजाती हैं, ये पॉलिटिक्स है। आइए मंत्री जी अंदर चलकर आराम करें। अब जनता की सेवा में आराम कहाँ, अभी सरकार भी तो चलानी है ना। ए विधायक जी चलिए, बहुत समय हो गया, चलिए चलिए, आइए आइए आइए। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। ए महला जी, अखबार तो लिखते थे कि जनता में बहुत रोष है, आतंक व्याप्त है, परंतु हम तो देखें जनता बहुत सुखी है। आपका अंदाजा बहुत सही है, हमारे क्षेत्र की जनता बहुत प्रसन्न है। यही तो हम कहते हैं भाई, कि नेता का जोरदार स्वागत हो तो समझिए सब ठीक है। बिल्कुल, ये लीजिए। रखिए रखिए, भागा नहीं जा रहे ना। लेकिन ये ससुर अखबार वाले खड़बड़ा देते हैं जी। अरे लिख दिया कि हमारा काले झंडों से स्वागत होगा, हम तो खड़बड़ा गए भाई। किसकी मजाल है जो आपको काले झंडे दिखाए, हाथ तोड़ दिए जाएंगे। देखिए देखिए देखिए, हिंसा का शब्द प्रयोग मत कीजिए, हिंसा से हम बहुत घबराते हैं। सर, जैन सर। ए विधायक जी, यही वो थानेदार है जी? मंत्री जी यही है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कोई नतीजा निकले, ये विपक्ष वाले तो हमको बदनाम करने पे तुले। अरे अब ही दूध का दूध पानी का पानी किए देते हैं। ए थानेदार साहब, बहुत चर्बी चढ़ी है आपको, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, क्षेत्र में कांड पे कांड हो रहे हैं और पुलिस कुछ करती नहीं है। महोदय ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो हमेशा विधायक जी और नाहर जी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखता। अरे आपकी सेवा से सरकार नहीं चलती है, सरकार को प्रणाम चाहिए, जनता को न्याय चाहिए। विधायक जी इस ससुर को सस्पेंड करते हैं, निलंबित, जाइए। सस्पेंड। सरकार सरकार जाइए जाइए, टोपियां उतारिए, पिस्तौल वा दीजिए थाने में, गेट आउट। कहिए विधायक जी ठीक किए ना, अब ससुर विपक्ष भी प्रसन्न रहे। बिल्कुल। हाँ महिला जी, रिपोर्ट में लिखिए कि मंत्री जी पुलिस अफसर के बयान से बिल्कुल असंतुष्ट रहे और ससुर को निलंबित कर दिया। बहुत बढ़िया करके लिखेगा, समझ गए ना आप? अरे मंत्री जी की जय हो, न्यायप्रिय मंत्री जी की जय हो। ये देखिए विधायक जी, अपने नाहर सिंह प्रसन्न तो समस्त क्षेत्र प्रसन्न। आपका निर्णय जनता की जीत है। कहिए महला जी, जी। बंगले पर खाने का स्वाद ही अलग होता है ना। खाना अच्छा नहीं था क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत स्वादिष्ट था। पधारिए पधारिए, आप नहीं ना समझेंगे। ओ महला जी, जी आप बाहर जाकर जनता को हमारे कार्यक्रम के बारे में बताइए, हमको राजनीति पर चर्चा करनी है, क्षेत्र की भलाई के लिए वार्ता करनी है, जाइए जाइए। आई नो सर, ओके। कहिए ठीक किए ना? हाँ बहुत अच्छा किया। जन कल्याण का कार्यक्रम गुप्त होता है। नहीं नहीं, कितने चिंतित है आप जनता की भलाई के लिए। क्या करें भाई, अब सरकार भी तो चलानी है ना। अरे ये मंत्री जी, ये छोटी सी भेंट है, बस इस बार इलेक्शन में जरा टिकट की गारंटी हो जाए। कमाल करते हैं विधायक जी,
अब सरकार चलाते हैं तो ये भी पता रखते हैं ना कि टिकट किसको देनी चाहिए। और फिर आप तो बहुत सेवा करते हैं हमारी। अब देखिए ना, ये लाख डेढ़ लाख की भाइट है। नहीं नहीं, पूरे 3 लाख है। आप तोल के नहीं ना लेते हैं? भेंट के नाप तोल के ली जाती है। नहीं मंत्री जी, विधायक जी आप हमारे अपने आदमी हैं, आपकी टिकट पक्की। ये बहुत अच्छी बात भाई। मंत्री जी क्या है, क्या हमने तो जनसेवा बहुत कर ली, अब हम चाहते हैं थोड़ा आराम करें, इसीलिए नाहर सिंह को ये इलेक्शन लड़वाना चाहता हूँ। ससुर पॉलिटिक्स में आराम ही आराम तो है, फिर भी आप कहते हैं तो ठीक है। अब पार्टी भी चाहती है कि नौजवान देश की सेवा करे। लेकिन विधायक जी ये भेंट का पिटारा है ना, इसे गाड़ी में रखवा दीजिए, हम तो इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे, समझ रहे ना? विधायक जी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ए बार विधानसभा में आपका बिटवा ही सीट पर बैठेगा। अरे भाई बहुत देर हो गई, एयरपोर्ट मुख्यमंत्री को लेने जाना है। आप तो जानते हैं कि सरकार हमको ही चलाना पड़ता है, वो ससुर तो केंद्र में ही पसरे रहते हैं। नमस्कार, 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 नमस्कार। मौज कीजिए, मौज कीजिए। चला हो ड्राइवर, जल्दी चला। बाबूजी देखिए अब ये इलेक्शन मैं कैसे जीतता हूँ। आपका आशीर्वाद मिल गया ना तो मंत्री भी बनूंगा। बनोगे बनोगे। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। आप इसी तरह सरकार की आंखों में धूल झोंकते रहे तो एक ना एक दिन जरूर आप मिनिस्टर बन ही जाएंगे। लोगों की आवाजों को कैद करके आप कुछ भी बन सकते हैं। तुम इन लोगों को कहां से ले आए? उस जानवरों के बाड़े से जहां आपने अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इन्हें बंद कर रखा था। अर्जुन, अपने बड़े भाई से इस तरह से बात करते हैं? अगर नाहर सिंह को इन्हें जानवरों के बाड़े में बंद करते हुए शर्म नहीं आती तो अर्जुन को अपनी सच्ची बात कहने में शर्म क्यों? मैं बड़े भाई से नहीं मामा जी, उस राजनीतिज्ञ से बात कर रहा हूं जो सच्चाई को छुपाने के लिए इंसान को जानवरों से बदतर बनाने से भी नहीं चूकता और आतंक पर उतर आता है। अर्जुन, अगर तुम हमारे भाई ना होते तो नाहर से बदतमीजी करने का जवाब हम बड़ा करारा देते। जबान कटवा देते आप या गुंडे बेचकर मरवा देते? ठाकुर नाहर सिंह, अगर आपने अर्जुन की मां की कोख से जन्म ना लिया होता आप लोग तो कुछ ऐसा समझ रहे हैं जैसे चुनाव गुड्डे गुड़ियों का खेल हो। रामनाथ जी, चुनाव लड़ने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो तो सभी हैं आपके पास। लेकिन भैया मेरे पास दौलत कहाँ है? केवल दौलत से ही चुनाव नहीं जीते जाते। लगता है आपने पहले कभी चुनाव देखा नहीं है। वोट आसमान से नहीं टपकते मेरे दोस्त, खरीदने पड़ते हैं, समझे? बात आप दोनों ठीक कर रहे हैं, लेकिन रामनाथ जी आपको तो सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने हैं, बाकी इन सब बातों के लिए हम आपके पीछे। देशबंधु, मैं राजनीति जैसे गंदे खेल में शामिल होना नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करो। चाचा जी, इस गंदगी को साफ करने के लिए सच्चे और ईमानदार लोगों का इस गंदे खेल में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। बेटे, बंदूक की नोक पर मतपेटियां बदल दी जाती हैं। इस बार वो ऐसा नहीं कर सकेंगे चाचा जी। लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोकेगा कौन बेटी? वो शक्तिशाली ठाकुर हैं। मैं रोकूंगा, मैं भी ठाकुर हूँ। रामनाथ जी, मेरी रगों में भी वही खून बह रहा है। ये मत भूलना अर्जुन, नहर तुम्हारा सगा भाई है। डैडी, जंग रिश्ते नाते भूल कर लड़ी जाती है। चाचा जी, आपके अपनों की भी यही इच्छा है कि हमें विनोद के खून का बदला लेना है, गरीब और मासूम केतकी के कातिलों को सजा दिलानी है, ईमानदार अहमद के खून का बदला लेना है। हाँ पिताजी, विनोद भैया की हत्यारे को फांसी पर चढ़ाने के लिए आपको इन सबकी बात माननी ही पड़ेगी। बेटा बेटा, लेकिन मैं जनता को दे क्या पाऊंगा? इलेक्शन जीतने के लिए वायदे करने पड़ते हैं और तुम जानती हो मैं कभी झूठे वायदे नहीं कर सकता। चाचा जी, वायदे उनको करने पड़ते हैं जिनका वायदा पूरा करने का इरादा नहीं होता। आपको तो निस्वार्थ सेवा करनी है चाचा जी, वायदे करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी, ऋतुराज कहा करते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरों को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। हाँ हाँ भैया, देखिए हम इलेक्शन के फंड के बारे में कुछ कहे थे ना आपसे। हाँ कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, फिर आपका परमिट भी समझिए हो गया। हाँ जयराम जी की। हाँ तो क्या सेवा है मेरे लिए पंडित जी? अरे भैया, सेवक तो जनता के हम हैं, और वही की भलाई के लिए आपको बुलाए हैं। वो ठेका तो आप पहले ही लिए हैं। बहुत बिदकते हैं ब्रह्मचारी जो हैं। खैर काम की बात पे आ जाते हैं। देखो भैया, समय बहुत कम है और इलेक्शन सर पे आ गया है। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ जो चुनाव के बारे में रुचि लूं। अरे हम कब कह रहे हैं कि राजनीति में रुचि लीजिए, पर ये कौन अकल की बात है कि अपनों की ही जड़ें काट के फेंक दिए। जिस पेड़ की जड़ें सड़ जाएं, उसका तना काट देना चाहिए। भैया ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पेड़ अपने ऊपर न गिर जाए। नारसिंह आपका भंजा है ना। सिद्धांतों की लड़ाई में रिश्ते तो हमारे पूर्वजों ने भी तोड़े थे श्रीमान। भैया हम तो जोड़े की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक बात बताते हैं ओंकार सिंह, नार का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो फिर उस रोशनी का फायदा आप ही उठाइए, मेरा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार। खड़बड़ाए गर्ल ससुर। ए महिला जी, ही आइए। जी सर। इस ससुर ब्रह्मचर है ना, दिमाग बहुत गर्म कर देता है। आप एक ठो काम कीजिए, एक ब्रह्मचर भंग करने की योजना बनाइए, हम कार्यक्रम देते हैं। सर मैं? अरे जब सरकार चलानी है तो कोई कार्यक्रम तो देना ही पड़ेगा ना, समझ रही है ना आप? जी। जाइए जाइए। ओके सर। जनता द्वारा ओंकार का सम्मान देख रहे हैं आप लोग। हवा का रुख बदल रहा है, विपक्ष वाले ज्यादा बलवान नजर आ रहे हैं। बाबूजी आप बेकार की चिंता कर रहे हैं, नाहर हवा का रुख बदलना जानता है। नाहर सिंह, मैंने क्षेत्र का दौरा किया है, माहौल हमारे पक्ष में नजर नहीं आता। वो अहमद के केस की वजह से उसकी बिरादरी का वोट पांडे ले जाएगा, और वो देशबंधु की लड़की, वो औरतों के कान ऐसे भर रही है कि वो हमारे खिलाफ हो जाएंगी, और हमारी पट्टी अर्जुन और ओंकार के कारण आपस में पड़ जाएगी। हमारे ही घर में हमारे ही लोग सेंध लगा रहे हैं। ताकत हमारे पास है बाबूजी, हम बैलेट से नहीं बुलेट से इलेक्शन जीतेंगे। तुम्हें देश बंधु की चाल का पता नहीं, उसने सरकारी मशीनरी को इस तरह हिला दिया है कि हम वोट के डिब्बे छू तक नहीं सकते। वैसे पंडित दीनानाथ भी हमेशा की तरह खड़ा है, कुछ वोट तो काटेगा ही, लेकिन अगर ओंकार सिंह के कहने पर वो बैठ गया तो हमारी हार निश्चित। राम राम दीनानाथ जी। हाँ राम 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 राम। आओ आओ ठाकुर ओंकार सिंह जी, बैठो बैठो। अरे क्या बात है, आज तो बड़े बड़े भारतीय आ गए। जय राम जी की। बैठिए 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 बैठिए। कहिए पंडित जी, सब कुशल मंगल? हाँ मान सुखी तो मंगल ही मंगल है। हाँ अमंगल तो तुम्हारे जीजा मेहताब के यहाँ होगा है? हाँ कहो क्या संदेश लाए हो। दीनानाथ जी ये तो आप जानते हैं मुझे राजनीति में तो दिलचस्पी है नहीं, मैं तो सिर्फ आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप रामनाथ जी के पक्ष में बैठ जाएं। देखो ओंकार सिंह, तुम मर्द आदमी हो इसीलिए तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता ना तो मैं उससे बात भी नहीं करता। वाह भाई वाह, कहते हो राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और चाल इतनी बड़ी चलने आए हो। पंडित जी पहले बात तो पूरी सुनिए। लेकिन मैं सब समझ गया। देखो भैया, रामनाथ जी को राजनीति में दिलचस्पी तो थी नहीं। हाँ इनके बेटे के साथ जो दुर्घटना हुई है उससे जनता को इनके प्रति सहानुभूति जरूर है, लेकिन ओंकार सिंह जी कहीं इसी आड़ में आप अपने भांजे नाहर सिंह के लिए रास्ता तो साफ करने नहीं आए। पंडित जी आपने बिल्कुल गलत समझा। ओंकार सिंह नाहर के साथ नहीं है बल्कि इसे हराना चाहता है, और ये काम सिर्फ रामनाथ जी के द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इनके साथ इलाके के सारे लोगों की हमदर्दी है। अगर हमने भी इनका साथ दिया ना तो ये चुनाव अवश्य जीत जाएंगे। मैंने मेहताब सिंह के खिलाफ 5 चुनाव लड़े हैं, मैं उसकी ताकत को अच्छी तरह जानता हूँ। और अपनी ताकत का अंदाजा कभी नहीं लगाया? देश में अल्पसंख्यक राज करते रहे हैं और उसका मुख्य कारण रहा है विपक्ष का बिखराव। भाई ये तो नई बात बतला रहे हो, आज तक तो बहुमत से जीतने वाला ही राज करता आया है। यही धारणा तो गलत है पंडित जी, अगर वास्तव में देखा जाए तो बहुमत में तो विपक्ष ही होता है लेकिन सरकार नहीं बना पाता, हालांकि सीधा साधा गणित है। भैया गणित हमें भी तो बताओ, बचपन में स्कूल में गणित पढ़ा था,
अब बुढ़ापे में राजनीति का गणित तुमसे पढ़े लेते हैं। भाई पंडित जी एक बात बताइए, एक चुनाव आप मैं और रामनाथ जी लड़ते हैं जिसमें 100 में से 40 वोट तो आपको मिलते हैं और 30-30 वोट हम दोनों को मिलते हैं, तो जीत किसकी हुई? हमारी भैया, 40 वोट तो मिले और 60 वोट जो आपके विरुद्ध गए उनका क्या हुआ? कहिए देश बंधु जी, अरे इलेक्शन लड़ते लड़ते बाल सफेद हो गए, बूढ़ा हो गया और इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई। अच्छा ओंकार सिंह जी, ये रामनाथ जी इलेक्शन जीत जाएंगे ना? हाँ हाँ। भाई देखिए, मेहताब सिंह से मैं बराबर इलेक्शन हारता रहा हूं, अब उनके बेटे से मैं या मैं जिसका समर्थन करूं वो हार जाए, भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। चिंता मत कीजिए दीनानाथ जी, अगर आप रामनाथ जी को समर्थन देते हैं तो हमारी जीत निश्चित है। तो लो भाई रामनाथ, अब हम हुए तुम्हारे साथ। उठो चलो क्षेत्र में काम जो करना है। बधाई हो भाई, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। भय कुतवाल अब डर काहे का, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का, जय जयकार जय जयकार करो जन सेवक नाहर का, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का। जनतंत्र का मतलब है यारो, जनतंत्र का मतलब है यारो, जनता ही जिसमें राजा हो, जनता ही जिसमें राजा हो, जनता ही जिसमें राजा हो। ना 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 ना, टिकट दिलाते बाप अगर तो बेटा उसका राजा हो। राम राज का मतलब है राजा जनता की बात सुने, राजा जनता की बात सुने। राम राज को लाना है तो इस चुनाव में हमें चुने, इस चुनाव में हमें चुने। काम करेंगे अपने पूरा अपने फादर का, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का। जनता हमें जिताएगी, जनता हमें जिताएगी, जनता हमें जिताएगी। अच्छा अगर हुआ ऐसा तो फिर मत पेटी बदली जाएगी, तोड़ फोड़ और लेन देन ही राजनीति की खेती है, राजनीति की खेती है। इस हाथ से नेता देता है उस हाथ से जनता देती है, हाथ से जनता देती है। सैया भय कुतवाल अब डर काहे का। भ्रष्टाचार के रावण की फैली इस कदर बुझाए हैं, हुए राम लखन सीता की झुकी निगाहें हैं, नारा देने वाला नेता छुपा हुआ हत्यारा है, छुपा हुआ हत्यारा, छुपा हुआ हत्यारा है। घायल ना हर नस लेता है, नहीं कभी वो हारा है, नहीं कभी वो हारा है। अंत समय आया है शायद घायल ना हर का, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का।
मैया भये कुतवाल अब डर जाए का 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 मैया भये कुतवाल अब डर जाए का। कोई तो रास्ता निकालिए बाबूजी, मैं अभी से हार की आदत डालना नहीं चाहता। सोचो, हर चाल का जवाब सोचो, राजनीति खेल ही चालों का है। अगर पांडे की जिंदगी में कुछ उथल पुथल हो जाए। हो गई बाबूजी, समझिए हो गई। युद्ध और प्रेम में सब कुछ चलता है। हमारा कहाँ पड़ेगा? पांडे जी के बक्से में। वोट हमारा कहाँ पड़ेगा? पांडे जी के बक्से में। वोट हमारा कहाँ पड़ेगा? पांडे जी के बक्से में। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही जोर से नारे लगाना, वोट फॉर पांडे जी, वोट फॉर पांडे जी, वोट फॉर पांडे जी। सरस्वती कहाँ गई? कह तो रही थी कि मोर्चे में सबसे आगे रहेगी करके। सरस्वती, ओ सरस्वती। मंजू बेटी। जी चाचा जी। मंजू बेटी, सरस्वती का तो कहीं कोई पता नहीं, राजा ने कहाँ चली गई? मतलब सरस्वती का पता नहीं? अब भी तो यहाँ थी वो। तुमसे कुछ कहा? नहीं तो। मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। मंजू, मैं भी आया। अरे चल चल जल्दी। ले अंजैया, ध्यान रखना। चल ऋतुराज जी, ऋतुराज जी, सरस्वती को नाहर सिंह के आदमी खंडर में उठाकर ले गए हैं। आप उसे बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं जाकर अर्जुन भैया को भी खबर करता हूँ। किसी का आवाज आ रहा है, देखता हूँ लौंडिया तो नहीं। ए, तू यहाँ ठहर, मैं आता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सब नाहर सिंह के कहने पे किया। मुझे जाने दो नाहर भैया, मुझे जाने दो। अरे चुप भैया, किसे कहती हरामजादी है? तेरे भैया को भेजे हुए जमाना हो गया, मुझे जाने दो भैया, मुझे जाने दो। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है, ढाई फुट की लौंडिया।
अरे बिगाड़ा तो तेरे बूढ़े बाप ने है, प्यार बांट बांट कर वोट खरीद रहा है। अब प्यार के साथ साथ तेरी बोटियां भी बांटनी पड़ेगी उसे, और वो बोटियां मैं भिजवाऊंगा उसे। छेड़ा संभालो उसे। सुखराज भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चुंदरी बहुत जोर से भागती है, हैं? अब अगर भागने की कोशिश की ना तो फेंक दूंगी। चुबे गुंगे, अभी तक तो मैंने तुझे सिर्फ गुंगा ही किया है, ज्यादा तमाशा करेगा ना तो लूला भी कर दूंगा। राखी बांधी है भैया, भैया ऐसा मत करो भैया, सरस्वती को मेरे हवाले कर दिया भैया, मेरी बात मानो भैया, भैया सरस्वती को मेरे हवाले कर दो भैया, भैया मैं आपसे विनती करता हूँ भैया, ऐसा अपराध मत करो भैया, सरस्वती सरस्वती उठो, तू मेरे रास्ते से हट जा वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। पागल मत बनो भैया, भैया मैं आपसे विनती करता हूँ भैया, ऐसा मत करो भैया, सरस्वती चलो उठो, हट जाओ मेरे रास्ते से। ठाकुर नरहर सिंह आज अर्जुन रण क्षेत्र में है जहां कोई किसी का भाई नहीं होता, सरस्वती को मेरे हवाले कर दो,
नाहर सिंह, रुक जाओ ठाकुर नाहर सिंह, वरना मैं गोली चला दूंगा। भैया आकांक्षाओं की मशाल की लौ इतनी मत बढ़ने दो कि जनता का प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं के दिए की रोशनी न देख सके। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा लोकतंत्र अंधा हो जाएगा।